ना इस स्टूल को। आर वी लाइव? सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या कुछ जोश वोश नजर नहीं आ रहा यार, आप लोग ऑफिशियली सीए इंटर में आ चुके हो यार, कमाल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या बात है यार, वंडरफुल। पहली बात तो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट एवरी वन ऑफ यू ऑल फॉर क्लियरिंग सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। इस बार जो सीए फाउंडेशन का पासिंग परसेंटेज था दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 25%। एज कंपेयर्ड टू द लास्ट अटेम्प्ट इट इज मच लेसर। लास्ट अटेम्प्ट में कुछ 29 point something, मतलब अप्रोक्सीमेटली 30% था। इस बार 25% है, मतलब 100,000 बच्चों ने सीए फाउंडेशन का एग्जामिनेशन दिया था, जिसमें से सिर्फ 25,000 बच्चे पास हुए हैं, जिसमें से आप लोग वन ऑफ दो स्टूडेंट्स हो। तो यू ऑल आर रियली बॉर्न टैलेंटेड और आपने बहुत सारी मेहनत की है अलॉन्ग विथ टैलेंट, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू, एंड आई एम श्योर आप लोग भी अपने आप के लिए बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हो। कैसे आपने फाउंडेशन की एग्जामिनेशन इतनी मेहनत से सिस्टमैटिकली पढ़ाई करके दी है, उतनी ही मेहनत से अब हमें सीए इंटर के लिए भी प्रिपेयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल Officially, I would like to welcome each and every one of you to this beautiful journey of CA Intermediate Law. इसमें से कुछ बच्चे हो गए जो डायरेक्ट एंट्री से हो गए। कितने बच्चे हैं जो डायरेक्ट एंट्री से? ओके, आप लोगों को भी बहुत बहुत स्वागत है CA के कोर्स में। और इस बार इंस्टीट्यूट ने बहुत ही सोच समझ के जो नया स्कीम है वो लाया है, which is genuinely very nice from the students' point of view also. पहली बात तो सबसे बड़ी खुशखबरी आपको पता ही होगी, इंटर कोर्स में जहां पहले 8 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे अब कितने रह गए? 6। वेरी गुड। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट चेरी ऑन द केक, सारी के सारे 6 सब्जेक्ट्स जो है उसमें आप लोगों को 30 मार्क्स का एमसीक्यू है, वो भी विदाउट नेगेटिव मार्किंग। वाह, एक बार जोरदार तालियां आईसीआई के लिए। और क्या ही कोई मांग सकता है एज अ स्टूडेंट, सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू। इफ देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, सो आप समझ लो 30 मार्क्स में से अगर आप 22 से 25 मार्क भी एमसीक्यू में स्कोर कर देते हो, बाकी के 70 मार्क्स में से 30 मार्क्स तो स्कोर कर ही लोगे ना। करना ही पड़ेगा बेटा, है ना, कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, बिकॉज द पासिंग परसेंटेज रिमेन्स द सेम। इंडिविजुअली 40-40-40 मार्क्स आपको सारे 6 सब्जेक्ट में चाहिए, एंड इन एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब इन टोटैलिटी आप लोगों को ग्रुप 1 में 150 मार्क्स और ग्रुप 2 में भी 150 मार्क्स, मतलब 300 मार्क्स आपको चाहिए। अगर आप दोनों ग्रुप्स एक साथ दे रहे हो तो हमें 40-40-40, 40-40-40 और ओवरऑल आपका 300 या 300 से प्लस मार्क्स आना चाहिए। फिर उसमें आप इंडिविजुअली नहीं देखोगे यहां पे 170 है और यहां पे 140 है। अब हम सिर्फ ये देखेंगे कि आपका टोटल जो है वो 300 प्लस है, इसको हम कहते हैं सेट ऑफ। क्या कहते हैं हम लोग? सेट ऑफ। तो वो सेट ऑफ का एडवांटेज आपको मिल जाता है अगर आप दोनों भी ग्रुप्स जो है वो एक साथ दोगे तो। हाँ ना बच्चों? ओके, तो थोड़ा सा मेरे बारे में बता दूं या कैसे हो ना आप लोग? चलो एक बार लाइव स्ट्रीमिंग के बच्चों को एक बार हाय बोल देते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल द लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स। तो देर आर अप्रोक्सीमेटली 555 स्टूडेंट्स ऑल्सो वॉचिंग थ्रू यूट्यूब राइट नाउ। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार इन बच्चों के लिए भी जोरदार तालियां बजा दो बेटा, आप महसूस करो इनकी तालियों को। घर पे बैठे बैठे क्लासेस अटेंड करना इज रियली अ चैलेंजिंग जॉब। कोई है फाउंडेशन में जिसने लाइव स्ट्रीमिंग या जीडीपीडी से पढ़ा है? हाँ, देखो आप लोग ये 555 बच्चों का दर्द समझते होगे। हाँ है ना, तो क्लास में फिजिकली आके पढ़ना
और वर्चुअली वहां पे स्क्रीन के सामने पढ़ने में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है. वहां पे सेल्फ मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. एंड प्लस देर इज नो सोशलाइजिंग, देर इज नो इंटरेक्शन, देर इज नो हेल्दी कॉम्पिटिशन, क्योंकि आप ही दिन रात अपने साथ अकेले हो विद द लेक्चरर. सो इट्स रियली अ बिग टास्क टू वॉच द लेक्चर्स ऑनलाइन ऑल्सो. और सुबह सुबह 8:30 बजे बच्चे बेचारे ऑनलाइन आ चुके हैं. हाँ नहीं नहीं आप लोग भी ऑफकोर्स 7:30 बजे आ गए आप लोग यहाँ पे. सच में कुछ भी झूठ मत बोलो. 5 बजे उठ गए आप लोग. नहीं बेटा झूठ तो भी इतना बोलो कि सच लगे हमें. 8:30 बजे के लेक्चर के लिए आप 5 बजे उठ गए. कितने अच्छे बच्चे हो बेटा. बहुत आगे जाओगे जिंदगी में, बहुत आगे जाओगे बेटा आप. आई एम सो प्राउड ऑफ यू. आई एम श्योर योर मॉम्स वुड ऑल्सो बी सो प्राउड ऑफ यू. वो सोच रहे हो कि बच्चे को बोल बोल के हम थक गए. हमारे सामने अगर 5 बजे उठ जाते तो हमारा दिन ही अलग होता. सही में ना माँ को रोना आ गया होगा आज तो. आया ना, आई कैन अंडरस्टैंड. चलो ओके लेट्स स्टार्ट देन. ओके आई एम सी अंकिता पटनी और आई हैव बीन टीचिंग दिस सब्जेक्ट फ्रॉम द लास्ट 11 ईयर्स. सो दिस इज द 12th ईयर ऑफ माई टीचिंग करियर. और लॉ जो है वो मेरा फॉर्टे ही रहा है. मतलब लॉ को ही मैंने खाया है, पिया है, जिया है. जब से मैंने टीचिंग करियर की शुरुआत की थी मैंने एक ही सब्जेक्ट को हाथ में उठाया था एंड दैट वॉज लॉ. आई स्टार्टेड विथ सी ए इंटर लॉ ओके इन 2012. And then few years later, from 2014, I also started teaching CA Foundation Law. Okay, तो आप में से कोई है जिन्होंने foundation कुछ चेहरे में को ऐसे recognize दिखाई दे रहे हैं? How many of you all have done foundation law from me? Okay, great, wonderful. तो खैर जो लोगों ने foundation law मुझसे नहीं पढ़ा है उन लोगों के लिए थोड़ी बहुत बातें मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे हमारा इंटर लॉ का जर्नी रहेगा और फिर हम लोग इस सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे, है ना. देखो सबसे पहली बात तो अच्छा एक बात बताओ, आप लोग ही बताओ जिन्होंने फाउंडेशन लॉ मुझसे किया था आपको क्या लगता है क्लास के बाद क्या मैंने आप लोगों का साथ छोड़ दिया था? नहीं. क्या हमने डिटेल मैराथन लेक्चर्स, उन मैराथन लेक्चर्स के नाम थे त्रिशूल, क्या किए थे? अरे हाँ है ना. अरे बोलो आप लोग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बाकी के बच्चे. देखो बाकी के बच्चे मेरे को घूर के कैसे देख रहे हैं ऐसे शक भरी निगाहों से. तो उनका कैसे मैं बोलूंगी तो इज्जत नहीं देगे ना. आप लोग बोलोगे तो ऐसे विश्वास करेंगे. क्या हमने हमने सीए फाउंडेशन की क्लास के बाद डिटेल मैराथन लेक्चर्स अराउंड 34 लेक्चर्स से त्रिशूल के किए थे या नहीं किए थे? क्या हमने आरटीपी का डिस्कशन और राइटिंग प्रैक्टिस के सेशंस लिए थे या नहीं लिए थे? हमने शॉर्ट एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर्स जिसके बाद हमने आईसीआई के मटेरियल के पीछे के जो क्वेश्चंस थे वो भी हमने लिए थे या नहीं लिए थे? और क्या हमने वन डे बिफोर लेक्चर्स भी लिए थे? सो ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो हैपन फॉर सी ए इंटर लॉ. भले ही आज हमारी 16 अगस्त से क्लास शुरू हुई है, मेरी क्लास के बाद आप लोगों की ग्रुप 2 की क्लासेस शुरू होगी और उसके बाद फेब में आप लोगों का क्या रहेगा? प्रेपरेटरी लीव. बट ऐसा नहीं है अभी मेरी नवंबर एंड तक क्लास खत्म हो गई तो 7 भी छूट जाएगा. फेब या मार्च में हमारे डिटेल मैराथन लेक्चर्स रहेंगे. डिटेल मैराथन लेक्चर्स के बाद हमारे रहेंगे एग्जाम ओरिएंटेड मैराथन लेक्चर्स. एंड प्लस वन डे बिफोर, अभी जो रिसेंटली पेपर गया था ना उसमें तो सीए इंटर लॉ को 2 छुट्टियां थी, 2 डेज की हॉलिडे थी बिकॉज देयर वाज सम फेस्टिवल. तो मैंने दोनों भी दिन रिविजन लेक्चर्स लिए. आई डोंट नो अबाउट यू ऑल, आप लोगों का अटेम्प्ट मई 2024 में है. आई एम नॉट क्वाइट श्योर क्योंकि फेस्टिवल सीजन अभी चले जाता है सारा. तो आई डोंट नो, बट अगर यस आप लोगों के एग्जामिनेशन के भी पहले अगर 2 दिन की छुट्टियां रहेगी तो हम दोनों भी दिन वन डे बिफोर वाला लेक्चर ले गए. और अगर एक ही दिन होगा तो फिर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है. अकाउंट्स के पेपर के बाद आप लोगों का रहेगा लॉ का मैराथन. फिर 1 फुल डे यू ऑल विल हैव फॉर सेल्फ रिविजन. एग्जाम के पेपर के दिन भी आपके पास पूरा सेल्फ स्टडी के लिए रहेगा. एंड देन 2 to 5 यू ऑल विल बी गिविंग द पेपर. हाँ या ना. उसके साथ साथ इस बार जो अप्रोच है सीए इंटर लॉ का बहुत अलग होने वाला है. कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो होगी, मतलब बहुत बढ़िया होगी, मजा आ जाएगा आप लोगों को. यू विल जेन्युइनली फील आ अब सच में हम लोग सीए इंटर में आ गए. और इतने नाजुक तरीके से आपको डोज दिया जाएगा कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि हम कहां से कहां तक पहुंच गए. देखो बहुत बार जब हम
डॉक्टर के पास जाते हैं और वैक्सीनेशन की इंजेक्शन लेने जाते हैं, तो बहुत बार वो डॉक्टर का हाथ इतना साफ होता है, समझ में भी नहीं आता है कि इंजेक्शन का डोज कब लग गया। वैसी वो बात है सीए इंटर लॉ में, लिटिल बाय लिटिल, लिटिल बाय लिटिल, स्टेप बाय स्टेप हमारी जर्नी आगे बढ़ती जाएगी। यू ऑल विल नॉट इवन रियलाइज कि आपने इतना कुछ सिलेबस जो है कवर कर लिया है, एंड यू ऑल विल फील फुल कॉन्फिडेंट इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। क्योंकि इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स कंप्लीट होते जाते हैं, लास्ट 10 पास्ट एग्जामिनेशन पेपर के क्वेश्चंस, लास्ट 10 आरटीपी के क्वेश्चंस, एंड अलोंग विद दैट आप लोगों की न्यू मॉड्यूल्स है एप्लीकेबल फॉर मे 24 अटेम्प्ट। मॉड्यूल के पीछे जो भी नए क्वेश्चंस है वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्लास में ही आपके 300 से भी ज्यादा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो क्लास के बाद एकदम प्राउडली आप बोल सकते हो मेरा आईसीआई का मटेरियल हो गया, आरटीपी 10 अटेम्प्ट के हो गए, मेरे पास्ट पेपर 10 अटेम्प्ट के हो गए। फुल सेटिस्फेक्शन आपको क्लास में मिलेगा। और प्लस हमने देखा 30 मार्क का एमसीक्यूज है, तो उसको तो हम नजरअंदाज कर ही नहीं सकते, तो ये 100 से भी ज्यादा, इसको हम कहते हैं केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज। क्या बोलते बोले तो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज जो है वो हम क्लास में प्रैक्टिस करने वाले अलोंग विथ टेस्ट। तो हर दो चैप्टर्स के बाद एमसीक्यू का टेस्ट होगा, क्योंकि 30 मार्क के एमसीक्यूज को क्या हम ऐसे ही छोड़ सकते हवे में? इनफैक्ट यहां पे तो हमारा एक्सपर्टीज होना चाहिए। अरे हाँ है ना, अगर इंस्टीट्यूट ने हमें मौका दिया है स्कोर करने का, तो वाई नॉट टेक द बेस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। हर दो चैप्टर्स के बाद आप लोगों का एमसीक्यू का टेस्ट होगा, और प्लस क्लासेस के दौरान ही आपके कम से कम 30 मतलब 3 टेस्ट हो गए, हो सकता है 5 टेस्ट भी हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन कितना आपका शेड्यूल कैसे बैठ रहा है। 3 से 5 रिटन टेस्ट हमारे होने वाले, रिटन टेस्ट, और 10th डे पे आपको आपके करेक्टेड पेपर्स जो है हाथ में मिल जाएंगे, सो दैट यू अंडरस्टैंड ड्यूरिंग द क्लास ओनली दैट वेयर यू आर फॉलिंग शॉर्ट। क्लासेस के दौरान ही आपको आपकी वीकनेसेस समझ में आ जाए तो क्या बात है। आप सोचो फेब में आप अगर मॉक टेस्ट दोगे तब आपको रियलाइज होगा कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है, तब क्या टाइम आपके फेवर में रहेगा? नहीं, राइट नाउ टूडे टाइम इज इन योर फेवर, सो यू नीड टू टेक द बेस्ट ऑफ इट। और इसीलिए क्लासेस के दौरान ही हम लोग क्या करने वाले हैं, 3 से 5 टेस्ट कंप्लीट करने वाले, सो दैट इवन यू अंडरस्टैंड वेयर यू आर फॉलिंग शॉर्ट, और वहीं पे हम हमारी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि क्या हो जाए, हम लोग यहीं पे जब टाइम हमारे फेवर में है और हाथों में है, हम लोग बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाए इस टाइम का। हाँ या ना? और इस बार आप लोग जानते हो जो हमारा न्यू करिकुलम है, सीए फाइनल के कुछ टॉपिक्स को उठा के सीए इंटर में लाया है इंस्टीट्यूट ने, एंड इस बार सीए इंटर लॉ में भले ही पेपर 100 मार्क का है, बट ये पूरी 100 मार्क की जर्नी मेरी अकेले की नहीं होगी, मेरा साथ और आपके साथ रहने वाले हैं द वन एंड ओनली, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर, स्वप्निल पाटनी सर। सूरज और एक माइक देना। सो यस, ये 100 मार्क का जो आपका पेपर है उसमें से पहले उन लोगों को एक मिनट आपको जी भर से देखने दो, फिर मैं बोल रही हूं। Hey guys, very good morning everybody. उतना मजा नहीं यार, गुड मॉर्निंग में। Once again, very good morning. So दोस्तों, जैसे कि मैम ने कहा कि हम लोग दोनों मिलकर आपको CA इंटरमीडिएट लॉ बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। She's going to teach for 60 marks and I am going to teach for 40 marks. और ये मेरे सौभाग्य मैं आपको पढ़ा सकूं। Seriously. एंड ये जो 40 मार्क्स है उसमें वो सारे चुनिंदा टॉपिक मैंने लिए हैं जो सी ए फाइनल का करिकुलम हुआ करते थे, एंड विच हैव टॉट फॉर सो मेनी इयर्स इन सी ए फाइनल लॉ। पर आप सभी जानते हैं सी ए फाइनल लॉ जो इस सिलेबस जो है वो उसके जो टॉपिक्स है वो जो आपको आईसीआई ने दिए है, और जो बाकी जो सिलेबस है आपके लिए और भी खुशी की बात है कि अब सी ए फाइनल लॉ दुनिया में नहीं रहा।
क्योंकि वो सीए के सिलेबस से उसको हटा देंगे, उसको सेल्फ पेस मॉड्यूल में उन्होंने डाल दिया है, जिसके आप सभी जानते हो 8 के 6 सब्जेक्ट जो हुए हैं। तो पहले पूरे 8 सब्जेक्ट्स को देना कंपलसरी हुआ करता था, एंड आई वॉज टीचिंग फॉर दैट सब्जेक्ट फॉर लाइक सो मेनी ईयर्स, बट बहुत मजा आने लगा, दोज टॉपिक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैंने मैम को रिक्वेस्ट किया, मैम वो टॉपिक्स मुझे पढ़ाने का अगर आप मौका देंगे तो मैं वो सारे टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। मैम क्या ना मतलब नहीं नहीं अगर वो सारे टॉपिक्स वो है जो मैं कई सालों से पढ़ा रहा था, एंड दोज टॉपिक्स आर वेरी वेरी मतलब मुझे पढ़ाते समय मुझे बहुत मजा आती है उसमें। इट वॉज ओनली 30 मार्क्स अर्लियर इन द प्रीवियस बैच, इस बार जो न्यू करिकुलम आया उसके हिसाब से दे हैव गिवन मी 10 मार्क्स मोर। कि एक काम करो आप, जो सी ए फाइनल का और एक चैप्टर जिसका नाम है फेमा, वो भी अब इंटर में आ चुका है। सी ए फाइनल का और एक चैप्टर जिसका नाम है फॉरेन कंपनीज एक्ट, वो भी अब आपको आ चुका है। सो दिस इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर श्योर। आप सभी लोग कितने लोग यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री से बिलोंग कर रहे हैं? ओके, ओह माय गॉड, एक बार और आता ऊपर करें। आप सभी का भी इस क्लास में बहुत 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 स्वागत है। और कितने लोग सी ए फाउंडेशन से बिलोंग कर रहे हैं? ओह माय गॉड, अचीवमेंट है, वेरी गुड। आप सभी लोग जिन्होंने सी ए फाउंडेशन क्लियर किया, आप सभी को मेरी ओर से फिर से एक बार शुभकामनाएं, एक बार ताली आप सभी के लिए। ओके गाइस, सो मैम प्लीज कंटिन्यू, मैं भी यहाँ हूँ और मैं जो मेरे वाला टॉपिक है मैं उसके बारे में कुछ बात करना चाहूंगा, बस यू जस्ट कंटिन्यू। ओके, थोड़ा सा हम इस सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं, आज कुछ ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर ही होगा, बट आपको भी पता होना चाहिए कि आप लोगों के साथ अब क्या क्या होने वाला है, ठीक है? ये दोनों मिलके आपके साथ क्या करें? ओके, देखो आपका जो पेपर है दैट इज गोइंग टू बी पेपर नंबर 2। सबसे पहला पेपर आपका ग्रुप 1 में है, एडवांस्ड अकाउंट्स, कौन सा है बोलो तो? एडवांस्ड अकाउंट्स। और पेपर नंबर 2 जो है इसी सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। क्या नाम है? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। तो जैसा नाम ही कहता है, इट इज कॉर्पोरेट लॉज एंड अदर लॉज। ये पूरे सब्जेक्ट को आईसीआई ने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला हिस्सा हमारा कॉर्पोरेट लॉज का है, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटिंग टू अदर लॉज। अब जहां तक कॉर्पोरेट लॉ की बात है, सबसे पहली एक्ट जो आप कॉर्पोरेट लॉ में करने वाले हो, इस एक्ट का नाम है द कंपनीज एक्ट 2013। कौन सी एक्ट है? कंपनीज एक्ट 2013। जो लोग फाउंडेशन से आए हुए हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने फाउंडेशन में कंपनीज एक्ट की हल्की सी झलक देखी होगी, जहां पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कंपनी क्या होती है, मेंबर्स क्या, कंपनी के फीचर्स क्या, कंपनी के टाइप्स क्या। बट अब पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। फाउंडेशन में तो इंस्टीट्यूट ने बस हल्का सा डोज दिया था, अब इंटर लेवल में आपको काफी सारे सेक्शंस जो है आईसीआई पढ़ाने वाला है। इनफैक्ट आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं वैसे बस करने हैं, पहले 10 चैप्टर्स जो कंप्राइज होते हैं 148 सेक्शंस के, और उसके साथ साथ इस बार इंस्टीट्यूट ने और एक नया चैप्टर कंपनीज एक्ट में ऐड कर दिया है, विच इज रिलेटिंग टू फॉरेन कंपनीज, जिसके सेक्शन नंबर है 379 टू सेक्शन नंबर 393A। तो ऐसे करके हमारे अप्रोक्सीमेटली आप समझ लो, अप्रोक्सीमेटली नॉट एग्जैक्टली, 200 सेक्शन तो आपको पढ़ने ही है इन द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट के साथ साथ आप लोगों को LLP एक्ट भी पढ़ना है, तो LLP एक्ट भी कुछ बच्चों ने, जो हमारे फाउंडेशन के बच्चे हैं, थोड़ा बहुत उन्होंने किया था LLP और पार्टनरशिप का डिफरेंस, LLP और कंपनी का डिफरेंस, LLP को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, LLP के फीचर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। बट अब बाकी सारी बातें, अगर LLP कन्वर्ट होना चाहती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, LLP अगर कन्वर्ट होना चाहती है इनटू अ पार्टनरशिप फर्म, LLP का वाइंडिंग अप, ये सारी बातें आप करने वाले हो यहाँ पे मतलब कहाँ पे? CA इंटर में। और उसके साथ साथ यू हैव 3 अदर लॉज ऑल्सो, और ये 3 अदर लॉज में आप लोगों को पहले है द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट, नाम में लिखा है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट। देखो वो सीए ही कौन सा सीए जिसको लॉ को इंटरप्रिट करने ही नहीं आए। आज आप लोग कोई कानून पढ़ रहे हो सकता है सीए बनते बनते कानून ही चेंज हो जाए, जैसे कि एज अ सीए स्टूडेंट मैंने तो कंपनीज एक्ट 1956 पढ़ा था,
बट क्या आज 1956 एक्ट है? कौन सा एक्ट है? 2013 मैंने पढ़ा था सर्विस टैक्स वैट, बट क्या सर्विस टैक्स वैट आज आप लोगों के जीवन में है या नहीं है? आज क्या है? जीएसटी। तो देखो, हो सकता है आपके भी जीवन में ऐसी ही कुछ घटना हो जाए। एज ए सीए आप वापस से क्लासेस करने तो नहीं आ जाओगे ना? अरे अंकिता मैम तो है ना, स्वप्निल सर ही पढ़ा लेंगे, क्या ऐसा होने वाला है? नहीं, यू शुड बी इन अ पोजिशन टू इंटरप्रेट द लॉज। तो यही इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कानून, एंड का क्या मतलब होता है और का क्या मतलब होता है, फ्रॉम और टू अगर लिखा गया तो हमारी जो डेट है, टाइमलाइन है, वो कहां से शुरू होती है, वो कहां खत्म होती है, ये सारी चीजों के बारे में जानकारी दी गई है दो एक्ट्स में। एक है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट और दूसरा है द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। ये दोनों भी एक्ट जो है इंटरप्रिटेशन के बारे में ही बातें करती है। तो इसमें यही सारी बातें बताई गई है। कोई भी कानून को अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको कैसे इंटरप्रिट किया जाता है, उसको कैसे समझा जाता है, कैसे उसको एनालाइज किया जाता है, उसके बारे में यही दो कानून में दिया गया है। एंड लास्टली इज फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ओके, तो ये वो हिस्सा है फेमा का जो सीए फाइनल से रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने सीए इंटर में शिफ्ट कर दिया है। तो इसके बारे में भी आप लोग पढ़ने वाले हो इन सीए इंटर लॉ। ओके, आई जस्ट चेंज द माइक, वन मिनट। जो लोग यहाँ पे, बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि ऐप पे चल रहा है, ऐप पे भी चालू है, जस्ट यू कैन चेक, राइट। विजय बैच के जो बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पे जिनका ऐप ऑलरेडी डाउनलोडेड है, यू कैन वॉच ऑन दैट। अभी ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, मतलब उस पर स्टार्टेड नाउ, दो मिनट में स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और जो लोग पूछ रहे हैं बुक्स कब मिलेगी, बुक्स आपके आई थिंक यू विल गेट इन नेक्स्ट 5 to 7 days, और जो लोग यहाँ पे उनको तो तुरंत ही मिलेगी, और बाकी लोगों कुरियर से डिस्पैच होगी तो इट विल टेक 5 to 7 days आराम से। ओके, बाकी कोई नहीं, और जिनका ऐप अभी अगर आज किसी वजह से अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो यू कैन वॉच इट ओवर हियर, नथिंग टू बी वरीड, फॉर नेक्स्ट लाइक 5 to 7 days इट विल बी हियर ओनली, सो नथिंग टू बी वरीड अबाउट इट। ओके, यस मैम, कंटिन्यू। यस, चेक। सो दीज आर ऑल द थिंग्स जो आप पढ़ने वाले हो इन योर कमिंग फ्यू डेज, है ना। हमारा अप्रोक्सीमेटली 30 नवंबर तक इंटर लॉ का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको कुछ एक दो बातें बताना चाहती हूँ। पहली बात तो आई नीड अ सेपरेट नोटबुक फॉर लॉ। आप सभी के पास क्या नोटबुक है, सेपरेट नोटबुक? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग बहुत सारे पापा चार्ट्स, मास्टर चार्ट्स बनाने वाले हैं, कुछ बहुत सारी चीजें सेक्शन वाइज अलग अलग बाइफोकेट करने वाले हैं, तो उसके लिए मेरे को लगेगी एक सेपरेट नोटबुक फॉर लॉ। कुछ होमवर्क होगा, ज्यादा नहीं, हफ्ते में 2 या 3 क्वेश्चंस होंगे जो हम होमवर्क के लिए देने वाले हैं, और बाकी सारी राइटिंग प्रैक्टिस जो होगी क्लास के साथ, वो सारी क्वेश्चंस जो है हम सॉल्व करने वाले हैं आपकी ये नोटबुक के लिए, जिसके लिए हमें एक सेपरेट नोटबुक इंटर लॉ के लिए लगने वाली है, ठीक है? ओके, अलोंग विद दैट स्टिक नोट्स आते हैं, कुछ स्टिक नोट्स। आपको पता है स्टिक नोट्स क्या होती है? तो एक स्टिक नोट्स जो है वो आप आपके साथ कैरी कर लेना। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट वी रिक्वायर एज स्टेशनरी इन द क्लास। अपार्ट फ्रॉम दैट, सारी की सारी बुक्स जो है हम ही आपको देने वाले हैं, मेन बुक हो, क्वेश्चन बैंक हो या चार्ट बुक हो, ये सारी बुक्स वी विल बी प्रोवाइडिंग यू। सो यू नीड नॉट कैरी एनी अदर मटीरियल विथ यू, है ना। सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं विद द फर्स्ट एक्ट, विच इज द कंपनीज एक्ट 2013। बट उसके पहले हम लोग ये चर्चा करेंगे कि वाई आर वी लर्निंग अबाउट द कंपनीज एक्ट 2013। देखो क्या लिखा है एक्ट में, वो तो हम इतने महीने पढ़ने वाले हैं, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट वाई आर वी लर्निंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्ट। अच्छा देखो, एक होता है लॉज हम लोग पढ़ते हैं, अब व्हाट आई बिलीव, मैंने खुद ने LLB किया, मैं लॉयर हूँ, आपको मेरे कपड़ों से नजर आ रहा हूँ क्या आपको एक लॉयर नजर आ रहा है? थैंक यू सो मच। या तो वैसे मैंने LLB कंप्लीट किया, आई हैव आल्सो कंप्लीटेड CS। ओके, और CS और LLB कोर्सेज है, दे आर मेनली अबाउट लॉ। ओके, तो जब मैं CA कर रहा था, करते करते मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई लॉ पढ़ते समय, मुझे लगा मुझे इनसे मोहब्बत हो रही है, तो मैंने कहा एक काम करते अपनी मोहब्बत को आगे ले जाते हैं। And then I started doing CS also and LLB also.
और देन आई कंप्लीटेड माय LLB, आई कंप्लीटेड माय CS आल्सो। तो तब मैंने लॉ पढ़ते समय एक बात समझी कि मैं लॉ में कभी फेल ही नहीं हो रहा हूँ। मैंने CS में बहुत कम पढ़ाई की मैं क्लियर हो गया, मैं LLP में बहुत कम पढ़ाई की मैं क्लियर हो गया। फिर मैं समझने लगा कि लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है, मुझे क्यों आसान लग रहा है। देन आई अंडरस्टूड लॉ पढ़ने का एक तरीका होता है, लॉ पढ़ने का एक मेथोडोलॉजी होता है। लॉ में व्हाट से ज्यादा वाई का इंपॉर्टेंस होता है। आई रिपीट अगेन, लॉ के अंदर व्हाट से ज्यादा वाई का इंपॉर्टेंस होता है। जब भी आप कोई चीज का वाई समझने लग जाते हो, यहां पे जब भी क्लास में आओगे, डू नॉट थिंक अबाउट व्हाट इट इज, थिंक अबाउट फर्स्ट ही आया क्यों है यार, मतलब ऐसी लॉ बनाने की क्या जरूरत है देश में। और कोई भी लॉ जब देश में आता है ना, जरूर उसके पहले किसी ने कुछ कांड किया होता है और उस कांड को बुझाने के लिए लॉ लाया था। बेवजह किसी को खुजली नहीं लेके आओ दो चार लॉ, ऐसा नहीं होता है। उस देश में आया, अपने देश में ऐसा नहीं होगा। हमारे देश में जो भी लॉ आते हैं ना, इट इज कोई तो जख्म है जिसको भरने के लिए मरहम लगाया जाता है, कोई तो दर्द है उसकी दवा होती है। तो मतलब एनी लॉ व्हिच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इट इज बिकॉज देयर इज समथिंग, कुछ तो गड़बड़ पहले हुई होगी एवरीबॉडी। तो वैसे कंपनीज एक्ट में भी बहुत कुछ हुआ होगा। सो जो कंपनीज इतनी सारी बनती और कंपनीज एक्ट ही ना हुआ हो तो क्या कुछ इमेजिनेशन के बाहर है। जस्ट इमेजिन कंपनीज एक्ट ही नहीं है और बहुत सारी कंपनीज बने जा रही है, ना कोई उनके ऊपर अनुशासन है, कोई कुछ गलत करेगा तो कोई कुछ बोलने वाला है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी के अपने शेयर्स बाय किए, मेरे पास आई हैव बॉट सम शेयर्स ऑफ रिलायंस, बस मैंने कुछ शेयर्स बाय किए अराउंड 10 crores आई बॉट, बस ज्यादा कुछ नहीं, और 10 crore के शेयर्स मैंने बाय किए। एंड मे बी आफ्टर फ्यू डेज आई गॉट टू नो कंपनी शट, बस कंपनी बोलते कंपनी शट और मेरा बोले पता नहीं, अब मैं लिस्टिंग में देख रहा हूं तो लिस्टिंग में नहीं है। क्या से क्या हो गए देखते देखते, और मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे साथ में हुआ क्या। देखो आज जब भी मैं किसी कंपनी के शेयर्स बाय करता हूं ना, तो मेरे दिल में जरा सी भी एक थोड़े देर के लिए भी सोच या ऐसा भी नहीं होता कि कुछ गलत मेरे साथ में होगा। बिकॉज मैं जानता हूं भारत देश में कानून है, कोई भी कंपनी किसी शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। आज हमारे जैसे लाखों की तादाद में लोग शेयर मार्केट में शेयर परचेस करते हैं एंड दे बिकम द शेयर होल्डर, और हमें किसी भी बात की चिंता नहीं होती बिकॉज हमें पता है कि भारत में द कंपनीज एक्ट बहुत स्ट्रांग है, भारत में सेबी की बॉडी बहुत स्ट्रांग है, सेबी एक्ट बहुत स्ट्रांग है। ऐसा कोई कंपनी कर देना, किसी शेयर होल्डर का गेम हो जाए ना, तो कंपनी उसको बजा देती है। आपने कभी एक किस्सा सुना होगा सहारा, सहारा सुना है? क्या आप जानते हो सहारा कंपनी को, उसके ओनर का नाम बताइए। सुब्रत राय, वेरी गुड, सुब्रत राय। सुब्रत राय आप जानते हैं सलाखों के पीछे थे, वो इंसान जिसके पापा ने पूरे देश को बिजनेस कैसे करना सिखाया, आज वो बंदा सलाखों के पीछे है। क्यों? बिकॉज उसको गिरफ्तार करने के बाद में भारत सरकार ने यह साबित कर दिया कि तुम कोई भी हो, अगर तुम कानून तोड़ोगे ना, अगर आप कंपनीज एक्ट को या सेबी एक्ट को या कोई भी ऐसे कोई रूल है, कोई प्रावधान है, कोई प्रोविजन है जिसकी वजह से शेयर होल्डर या किसी भी स्टेक होल्डर का नुकसान हो रहा होगा, तो आपके साथ भी वो होगा। और वो एग्जाम्पल सेट उन्होंने कर दिया। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आज जितनी भी कंपनीज है, वो कंपनीज को बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो कंपनीज एक्ट को पढ़े। लोग कंपनीज फॉर्म करेंगे एंड इफ दे डोंट फॉलो कंपनीज एक्ट, इट विल नॉट बी डन। आज स्वप्निल पाटनी क्लासेस जो है प्राइवेट लिमिटेड है, ये पूरा के पूरा एक्ट मुझे एप्लीकेबल है। इफ आई डोंट फॉलो एनी ऑफ द प्रोविजन, देन मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इसे दोस्तों कोई भी सेक्शन जब हम लोग पढ़ रहे हैं ना, यू ऑल शुड नो कि इसको लाया क्यों गया। अगर मैंने पूरे सारी जो पढ़ाई की है, आई ऑलवेज बिलीव कि यार मुझे वाई पता होना चाहिए। और आप लोग भी जब पढ़ाई कर रहे हो ना, मैं आपको बता रहा हूं एक कि आपके अंदर में कीड़ा होना चाहिए कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं। 2 मिनट के लिए आप दिमाग से सारी चीजें हटा दीजिए और समझ लीजिए कि जिंदगी में आगे कौन जाता है। मैम 2 मिनट में लेना चाहूंगा, मेरे थोड़ा कुछ ज्ञान है मेरे पास। ऐसे ऐसे लॉयर्स देखे हैं मैंने, से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स किया, बाद में वो लॉयर भी बने। हैव यू हर्ड अबाउट हरीश साल्वे? कितने लोग जानते कौन है बंदे? सर कोई तो बड़ा लॉयर है, क्या काम किए थे उन्होंने, कोई बड़ा केस किसने लड़ा था इन्हें? सलमान खान वाला बेस्ट है, हिट एंड रन वाला केस था। सलमान खान ऑलमोस्ट अरेस्ट होने वाले थे, अब सभी जानते उड़ाया किसने था और गिरफ्तार भी नहीं हुआ, आप सभी जानते हैं। ये वो बंदा है
हरीश सालवे रहता मतलब यूके में, अभी तो उधर माहौल बनाते हो, इंडिया में बहुत ही कमाते हैं। ये बंदा ऐसा है कि अगर मान लीजिए ये ऐसे बहुत बड़े बड़े लॉयर्स हैं इंडिया में, मैं आपको लॉ बता रहा हूँ लॉ एग्जैक्टली है क्या, ये हम लोग लॉ पढ़ने वाले, राइट, लॉ की बहुत इज्जत है, आई एम टेलिंग यू। बहुत सारे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद में LLB करते हैं और प्रैक्टिस LLB की करते CA की नहीं करते, एंड दे आर अर्निंग सो ह्यूज। बट ये वही लोग कर पाते हैं जिनको लॉ समझ में आता है, लॉ क्यों बना है, क्योंकि लॉ क्या है ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता, तो गूगल और ChatGPT भी बता देगा। इसके लिए बहुत कुछ ज्ञान देने की जरूरत नहीं, पर वही इंसान आगे जाएगा जिसको ये समझ रहा है लॉ क्यों बना है, उसको शब्दों के पीछे क्या लिखा है वो बारकाई है, जिसको समझती है वो लॉ में बहुत आगे जाता है। एंड यू नो ऐसे ऐसे लोग हैं, एग्जाम्पल हरीश सालवे ले लीजिए, आपने कपिल सिब्बल का नाम सुना होगा, कपिल सिब्बल को नहीं जानते, जानते ये कांग्रेस के नेता है, पर ये नेता तो बाद में बने, ये सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े लॉयर हैं। आपने चिदंबरम के बारे में सुना है, द फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, अरे बोलो भाई कौन है ये, ये सुप्रीम कोर्ट के बड़े लॉयर हैं। आपने राम जेठमलानी का नाम सुना होगा, ये तो नाम सुना ही होगा यार, सर इन सब के बारे में क्यों बता रहे, अगर लॉ ये मंदिर है ना तो ये सबके भगवान है ये, अगर ये सब्जेक्ट अगर मंदिर है इसमें मूर्तियां लगाना तो किसके लगाएंगे, इन सारे लोग ही, बिकॉज इन लोगों ने समझा कि लॉ में कितनी मजे है। ये ऐसे लोग है साहब, अगर इन्होंने, मेरे दोस्त का केस चल रहा है कपिल सिब्बल के पास में, एंड ही वाज सेइंग कि कपिल सिब्बल के चार्जेस तुझे पता है क्या है, कितना पैसा चार्ज करता है, ही चार्जेस बॉम्ब, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या चार्ज करेगा उसके सामने, अम्मी इतना ज्यादा, मतलब आपको तब समझेगा लॉ सब्जेक्ट की अहमियत कितनी है, ये सब्जेक्ट क्या है हम आपके दिमाग में पूरा ठोक देंगे, मैं और अंकिता मिलकर आपके दिमाग में ना किसे पढ़ाएंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी कराएंगे, आपको याद करा देंगे, पास पर पास होना सब कुछ नहीं है, एग्जामिनेशन लाना सब कुछ नहीं है, आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं भाई, इतना क्या है इसमें, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट है या जिंदगी भी बन सकती है, तो मेरा कहना है जिंदगी बन सकती है। वन ऑफ माई वेरी क्लोज पर्सन जिनका नाम है मेरे खास है, मतलब मेरे हॉस्टल के दोस्त है, हॉस्टल के मेरे सीनियर थे तो मैं उनको भाई भी बोलता हूँ, इन भाई ने क्या किया, इनका नाम है रोहित जैन, और इन्होंने इकोनॉमिक लॉ प्रैक्टिस इज द फाउंडर, अकेले में चेक करना, ये दिल्ली की बहुत बड़ी लॉ फर्म है, ही डिड चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, तो CA करके उन्होंने प्रैक्टिस की, उनको मजा नहीं, देन ही अंडरस्टूड, वेंट टू बॉम्बे, अरे ही अंडरस्टूड साला यहाँ पे तो लॉयर्स तो बहुत छापते हैं, अपने को तगड़ा वाला लॉयर बनना है, तो देन ही डिड LLB, आज वो CA का प्रैक्टिस नहीं करते, वो LLB का करते, लॉ का करते, एंड ट्रस्ट मी ही इज अर्निंग इन क्रोर्स। तो मैं आपको बता रहा हूं ये सब्जेक्ट को आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि मैं 100 मार्क के लिए पढ़ रहा हूं, अगर आपको सच में लगता है यू वॉन्ट टू बी द, यू नो, पर वो कौन बन सकता है जिसको लॉ पढ़ने आता है, आपको बता दे रहे हैं यकीन मानेगा, आपने कभी उज्जवल निकम का नाम सुना होगा, अरे उज्जवल निकम का नाम सरकारी वकील, बहुत बड़ा वकील है वो, जो कसाब को जेल में, कसाब को जिसने फांसी चढ़ाया, उज्जवल निकम नाम है उनका, उज्जवल निकम जलगांव से है, खांदे से, हरीश सालवे जी नागपुर के आसपास से है, और सबसे बड़ी बात दोनों का भी एजुकेशन मराठी मीडियम से हुआ है, आप समझे मैं क्या बोल रहा हूं, और ये देश के दिग्गज लॉयर में से है। इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश, इट्स अबाउट द वे यू इंटरप्रेट द लॉ। आपको सबको क्लास में बैठते समय ये नहीं देखना चाहिए कि क्या बना है, क्या बनाए, ये पूरा हिंदुस्तान पढ़ रहा है, हर कोई कामयाब लॉयर नहीं होता, देश में ऐसे ऐसे लॉयर्स होते हैं, मैं आपको बता रहा था कपिल सिब्बल जी की जो फीस है वो बोलता है मिनट पे चार्ज करते हैं, कपिल सिब्बल जी अगर सुप्रीम कोर्ट से चल रहे हैं ना तो वो अकेले नहीं चलते, वो काफिला लेके चलते हैं, इतने लोग उनके आगे पीछे घूमते हैं, इतना ज्यादा इज्जत है उनका, वो पॉलिटिशियन बाद में ही इज द बेसिकली लॉयर। और आपको पता है 20 मिनट्स जब खत्म हो जाए 20 मिनट्स की ही विल चार्ज, अब आपके इसके ऊपर डिपेंड करता है वो कितना चार्ज करते हैं, तो मेरे दोस्त के केस में ही वॉज चार्जिंग अराउंड 7 to 8 lakhs रुपीज फॉर फर्स्ट 20 मिनट्स, जिसमें वो सिर्फ सुनते हैं, अभी तक तो कुछ बोला ही नहीं, सर वो सुनने के बाद में कुछ बोलते भी है, बोलेंगे, वो सुनेंगे, और फिर उसके बाद में वो ज्यादा नहीं, उनको सारी चीजें फटाफट समझ में आती है, उनका मीटर डाउन होता है, अगर अगला 20 मिनट्स वो पूछता है टॉपअप करना भैया या खत्म करना है, भैया अभी तक तो टॉपअप कर दीजिए तो अगला 7 लाख रुपये और ऐड हो जाएगा। ये लेवल के लॉयर्स भी है, अंडरस्टैंड करो मैं आपके, और लॉ सब्जेक्ट की इज्जत बहुत है, अगर आप उसको 100 मार्क बोल के देखोगे तो मजा नहीं आएगा,
उसके मजे उठाने, तो समझो कि देश में कितने बड़े लॉयर और क्या छापते हैं। दे अर्न क्रेजी। आपको बता रहे, कभी कभी कोई जगह से आपको, फॉर एग्जाम्पल, अपने कोई बहुत बड़ा अपने लॉ प्रैक्टिस जब करते हैं, आपने बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट को दे दिया और आपको रिफंड मिलना है, रिफंड, मान लो रिफंड की अमाउंट है 550 करोड़, वो क्या बोलते हैं लॉयर्स को, साहब ये रिफंड करवा दो, 5% आपको रख लो, ये रिफंड करवा दो, मैंने गवर्नमेंट को टैक्स भर दिया है, आप एक काम करो रिफंड ला के दे दो। अब 550 करोड़ अगर रिफंड आ जाएंगे, 5% इसको मिलेंगे, आप लगा सकते हो आप लॉयर को खड़े खड़े 25 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये इस सब्जेक्ट की इज्जत है, और वो मैं आपको बता रहा हूं, ये लॉ पढ़ना, आपको जब पढ़ रहे हो ना, तो पढ़ते समय आपके दिमाग में होना चाहिए ये लॉ क्यों आया होगा देश में। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई ना, तो समझ आएंगे आप लॉ में। हर समय आपको दिमाग में यही फिरा के होना चाहिए, हर सेक्शन के पीछे क्या लॉजिक है, व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड इट, आखिर क्यों लाया होगा इसको। ये अगर आप दिमाग में आ गए, तो समझ जाना आपको लॉ में बहुत मजा आएगा। और हमेशा आपने मुझे, मैम को कभी भी, मैम व्हाट इज द रीजन, और हम लोग भी पढ़ाते समय वी मेक श्योर वी विल नॉट ओनली टॉक अबाउट व्हाट, वी विल टॉक अबाउट व्हाई, वाई के ऊपर डिस्कशन होगा। और इसीलिए आपको आज मैम बता रही कि आखिर कम्युनिटी एक्ट को क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, वो केस स्टडी आपके सामने, मैम वो केस स्टडी बता दीजिएगा, केस स्टडी के ऊपर बात करते हैं। सो दिमाग में आपके ब्रॉड विजन होना चाहिए, आखिर हम लोग क्या कर रहे हैं क्लास में, क्यों पढ़ रहे हैं। ऑन कर दो, ओके, आवाज नहीं आ रहा, बॉक्स, स्पीकर, कंप्यूटर बीएससी पर लिस्ट हो गई और 2001 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गई। नमस्कार, तो ये कंपनी के बारे में आपने सुना ही होगा, सत्यम। और कुछ साल पहले ये कंपनी में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, जिसके बाद ही फिर हमने सोचा था कि हम 1956 की जो एक्ट है, कंपनीज एक्ट, देखो 2013 की एक्ट तो अभी कुछ ही साल पहले आई थी, बट उसके पहले इंडिया में कंपनी से रिलेटेड एक एक्ट हुआ करता था जिसका नाम था कंपनीज एक्ट 1956, बट दैट एक्ट वॉज वेरी लीनियंट एज कंपेयर्ड टू द 2013 एक्ट। और इसीलिए अब सरकार ने सोचा कि इतनी लीनियंसी हम नहीं रख सकते, मतलब आज के जमाने के लोग जो है ना वो चोरी है, ऐसी ही मेंटालिटी हमें रखनी पड़ेगी, तो ही हम आम जनता को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और ये वो कांड था जिसने प्रोवोक किया था गवर्नमेंट को टू इंट्रोड्यूस अ न्यू लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। क्या हुआ था, एक दो मिनट हम देखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इवन यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपेंड और कितना ज्यादा बड़ा ये कांड हुआ था, बात करेंगे। 1987 में वी रामालिंगा राजू ने अपने ब्रदर इन लॉ के साथ सत्यम कंप्यूटर की शुरुआत की, जो कि एक हैदराबाद बेस्ड आईटी कंपनी थी। सत्यम कंप्यूटर स्टार्ट करने से पहले बी रामालिंगा राजू का कॉटन मिल का बिजनेस था। 1991-92 में सत्यम कंप्यूटर बीएससी पर लिस्ट हो गई और 2001 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गई। सत्यम कंप्यूटर इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में से एक थी, और उसके लिए सत्यम कंप्यूटर को और बी रामालिंगा राजू को कई अवार्ड्स मिले थे। सत्यम अच्छे ग्रोथ ट्रैक पर थी, पर रियल इस्टेट में चल रही बूम की वजह से राजू का ध्यान रियल इस्टेट की तरफ जाने लगा। हैदराबाद में भी रियल इस्टेट के रेट्स तेजी से बढ़ रहे थे, तो राजू ने तेजी से हैदराबाद और अलग अलग जगह पर लैंड प्रॉपर्टीज खरीदना शुरू किया। मेटस इंफ्रा, जिसे राजू ने 1988 में शुरू किया था, और मेटस प्रॉपर्टीज, इन कंपनीज के नाम पर, अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पर और अपने नाम पर राजू प्रॉपर्टीज खरीदने लगा। राजू बहुत ही अग्रेसिवली प्रॉपर्टीज खरीदने लगा। जब राजू को प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए और पैसों की जरूरत पड़ने लगी, तब राजू सत्यम कंप्यूटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनिपुलेट करने लगा, यानी उनमें हेराफेरी करने लगा। देखो अब यहां से वो एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कैसे उन्होंने सत्यम कंप्यूटर्स में ये हेरा फेरी की और क्या सारे कांड उन्होंने किए, एक बार आप गौर से सुनिए। अगर कंपनी को एक्चुअल में 60 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर राजू 600 करोड़ का प्रॉफिट दिखाता था। आप देख रहे हो डिफरेंस, रियलिटी में 60 करोड़ का प्रॉफिट है और हमने हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या बताया कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, 600 करोड़। मतलब आप समझो 600 करोड़ माइनस 60, अप्रोक्सीमेटली 540 करोड़ का हमारा फेक प्रॉफिट है। फेक प्रॉफिट मतलब ऐसा कोई प्रॉफिट जो रियलिटी में कभी हमने अर्न किया ही नहीं है। आप सोचो एज एन इन्वेस्टर,
जब आप कोई कंपनी की बैलेंस शीट देखते हो और उसमें आप ये देख रहे हो कि 600 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने कमाया, ऑब्वियस सी बात है क्या आपका इंप्रेशन बहुत ही बढ़िया हो जाएगा इस कंपनी के बारे में? तो अब देखो, ऑब्वियस सी बात है लोगों को भी लगने लग गया कि ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्या प्रॉफिट दे रही है, क्या रिटर्न्स दे रही है, चलो शेयर्स खरीदो, शेयर खरीदो, शेयर खरीदते गए लोग, शेयर खरीदते गए, डिमांड बढ़ती गई, सप्लाई तो उतना ही था, ऑटोमेटिकली मार्केट में भी प्राइसेस जो है वो बढ़ते गए। बट आप समझो, ये जो मार्केट में प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो रियल नहीं है क्या, वो आर्टिफिशियली बूम किए गए हैं? और ये पूरा सर्कल बनते गया बनते गया बनते गया। देखिए, दिखाने की कोशिश करने लगा कि सत्यम बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। सत्यम कंप्यूटर की लगातार दिख रही ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स के चलते सत्यम की शेयर प्राइस बढ़ने लगी। उस बढ़ती हुई शेयर प्राइस पर राजू और राजू का भाई बी रामा राजू अपने शेयर्स बेचने लगे और अपने बाकी शेयर्स कोलैटरल यानी गिरवी रखकर उन पर लोन लेने लगे और उन पैसों से प्रॉपर्टीज खरीदने लगे। प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए राजू ने करीब 365 कंपनीज खोली थी। राजू अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स इनके नाम पर जमीन खरीदता था। उनके फार्म में काम करने वाले लोग जिनकी तनख्वाह 4 से 5 हज़ार रुपये थी, उन्हें भी राजू ने उन 365 में से कुछ कंपनीज का डायरेक्टर बनाकर उनके नाम पर जमीन खरीदी और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को भी उन कंपनीज का डायरेक्टर बना दिया। मेट्रो मैन ई श्रीधरन का कहना था कि राजू के पास हैदराबाद के प्रपोज्ड मेट्रो रूट की इनसाइड इन्फॉर्मेशन थी, यानी पहले से ही राजू को उस मेट्रो लाइन का रूट पता था। राजू अग्रेसिवली उस प्रपोज्ड मेट्रो ट्रैक के नज़दीक की ज़मीनें खरीदने लगा, ये सोचकर कि जब मेट्रो लाइन बन जाएगी तब उस जगह के रेट्स कई गुना बढ़ जाएंगे और रियल इस्टेट से जो प्रॉफिट मिलेगा उसमें से कुछ पैसे सत्यम में डालकर राजू ने दिखाए झूठे फाइनेंशियल फिगर्स जैसे कि सेल्स, प्रॉफिट एटसेट्रा और सत्यम के एक्चुअल सेल्स और प्रॉफिट के गैप को आसानी से भर दिया जाएगा। तो उन्होंने क्या सोचा था कि ही ऑलरेडी हैड द प्रपोज्ड प्लान ऑफ द मेट्रोस। तो उन्होंने सोचा था कि मेट्रो के आजू बाजू की जमीन है, ऑब्वियसली उसके प्राइसेस जो है लॉन्ग रन में राइज होने वाला है, और अब मैंने कम में ले लिया है, ज्यादा में उसको बेच के ये जो मैंने कांड पहले किया था एक्चुअल और फेक प्रॉफिट का, उस गैप को मैं धीरे धीरे कम करके नॉर्मल पे लेके आ जाऊंगा। बट जैसा हम सोचते हैं जिंदगी में वैसा हर बार होता नहीं है। और कंपनी ने ये जो रेजोल्यूशन था इसको रिजेक्ट कर दिया, पास किया ही नहीं। तो उनका जो प्लान था टू फिल दिस गैप, इट वॉज एट अ टॉस। जो सोचा था वो हुआ नहीं। का ज्यादा सेल्स दिखाने के लिए राजू फेक सेल्स इनवॉइसेस बनाने लगा। राजू ने 7500 फेक सेल्स इनवॉइसेस बनाई थी। फेक सेल्स इनवॉइसेस बनाकर सेल्स हो गया ये तो दिखा दिया, बट वेयर इज द प्रॉफिट? देखो, आप लोग अकाउंट्स के एक्सपर्ट हो, राइट? अब अज्यूम आई हो ना, तो देखो, अब अगर मैंने मेरी बैलेंस शीट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बताया कि मैंने सेल्स किया है, मैंने जितना सेल्स किया है मतलब उतना क्या मेरा कैश जनरेट हुआ है? बट अब बताओ, मैंने तो 7500 ट्रांजैक्शंस ऐसे बताए जो रियलिटी में कोई सेल नहीं हुआ है, तो क्या वो कैश भी जनरेट हुआ है? नहीं हुआ है। बट अगर मैंने सेल्स बताया है तो कैश भी उतना जनरेटेड मेरे को बैलेंस शीट को टैली करने के लिए बताना पड़ेगा ना। तो अब उन्होंने एफडीज बता दिए कि उनके पास ये जो पैसा है ये एफडीज में डिपॉजिटेड है, फिक्स डिपॉजिट हमने बैंक्स के पास कर लिया है और यही वो कैश का रिप्रेजेंटेशन है। बट क्या रियलिटी में ये एफडीज भी रियल थी? सब कुछ फेक ही था कहा है। तो उसके लिए राजू ने झूठे बैंक स्टेटमेंट्स दिखाकर फेक सेल्स से मिला हुआ पैसा बैंक में है ऐसा दिखा दिया, यानी बहुत सारा ऐसा कैश रिजर्व दिखाया जो एक्चुअल में था ही नहीं। कई सालों तक राजू इसी तरह लगातार सेल्स, प्रॉफिट्स और बाकी फिगर्स को बढ़ाकर दिखाता रहा। कंपनी की अच्छी ग्रोथ दिखाकर राजू इन्वेस्टर्स को कंपनी की ओर अट्रैक्ट करता रहा, जिससे सत्यम कंप्यूटर की शेयर प्राइस बढ़ती चली गई और सत्यम के प्रोमोटर्स लगातार ऊंची प्राइसेस पर अपने शेयर्स बेचते रहे। 1999 में सत्यम में प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग 24% थी, वहां से वो कम होते होते 2008 की एंडिंग तक सिर्फ 2% तक आ गई। आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म ही कर रही है तो व्हाई आर द प्रमोटर सेलिंग देयर शेयर्स? आप सोचो, एज अ प्रमोटर अगर एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड सरकी और मेरी है, ऑब्वियस सी बात है कि हम लोगों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारी कंपनी में। अरे बोलो ना, अरे ये कंपनी हमने बनाई है, बच्चा है ये हमारा। आप ही खुद बताओ, ये कंपनी में हम लोग अगर कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? तो अब देखो, प्रमोटर ग्रुप और उसके जो फैमिली मेंबर्स है, मतलब रामलिंगा राजू और उनके जो पूरे फैमिली मेंबर्स है, अपना स्टेक धीरे 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 होके कम करते गए। अगर कंपनी का प्रॉफिट इतना अच्छा है, कंपनी अगर इतना पैसा कमा रही है, कंपनी के अगर रिजर्व्स इतने स्ट्रांग है, तो व्हाई आर द प्रमोटर्स सेलिंग देयर शेयर्स? यही अपने आप में एक बड़ा सस्पिशन था।
बट नोबडी अंडरस्टूड, आम जनता को ये चीज क्लिक ही नहीं हुई क्योंकि उन्हें बस बढ़ते शेयर प्राइजेस दिखाई दे रहे थे. तो देखा लोगों को भी कैसे गुमराह कर दिया. और जनता आप तो जानते हो कितनी भोली है. अरे हाँ या ना मैम, एक सवाल मैं बच्चों से पूछना चाहता हूँ, थोड़ा समय नॉलेज लेना चाहता हूँ, इस बैच का इंटेलिजेंस लेवल समझना चाहता हूँ. एक बात बताओ, अक्सर भारत में लोग अपनी इनकम नहीं बढ़ाते ताकि उनको टैक्स लगे, लोग टैक्स की चोरी करते कम इनकम को दिखा के. यहाँ पे तो मामला कुछ उल्टा ही चल रहा है. यह वाला आदमी अपने इनकम को बढ़ा रहा है, ये परवाह भी नहीं कर रहा है कि टैक्स बढ़ेगा. ये क्यों कर रहा है ऐसे, बेवकूफ है ये इंसान. कोई अपनी इनकम को बढ़ा के टैक्स बढ़ता है, प्रॉफिट हो रहा है 60 करोड़ का, दिखा रहा 600 करोड़. क्या आप में से कोई बताएगा व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड इट? और ये सब आपको मैं बता रहा हूं, ये कोई केस स्टडी कोई कहानी ऐसा नहीं, ये सिलेबस से बहुत कनेक्टेड है. एंड इट वाज द ओनली रीजन ड्यू टू व्हिच नो, जब 2013 का कंपनीज एक्ट बनने लगा तो इस आदमी के कांड को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, क्योंकि इसने देश के लॉ की सरेआम इंटीग्रिटी पर हाथ डाला था, देश के लॉ की अखंडता, इज्जत, आबरू, एकता, गरिमा के ऊपर हाथ डाला. 1956 से इतना बेटा कब आया था पहला वाला एक्ट? 1956 श्योर अबाउट इट? कितना श्योर? 100%. क्या नाम है आपका? जय बत्रा. कहाँ से है? एमपी छिंदवाड़ा. बेटा बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पे. एमपी से जो कह रहे हैं 1956 में, आप लोग भी सभी जानते हैं 1956 आया था. 56 के बाद में ऐसा देश में अचानक क्या हुआ 2013 में इस एक्ट को लाना पड़ा? बताओ ये कांड कौन से साल में हुआ था? ये जो आप देख रहे थे कांड कौन से साल में हुआ था? 2008 में. 2009 में ये जो हादसा हुआ, इसके बाद में सही देश में आग लगी कि अब वो बदलने का समय आ चुका है. क्योंकि ऐसे सत्य के हादसे, आपको पता है सत्यम का जब हादसा हुआ ना, ये हैदराबाद की बहुत बड़ी कंपनी, और ये सिर्फ हैदराबाद से कोई बिलोंग करते हैं हमें तेलंगाना बड़ा कहाँ से हैदराबाद राइट अन्ना? हाँ बेटा हैदराबाद. ओके एनीबडी फ्रॉम हियर? इधर बताओ भाई हैदराबाद से. बड़ा दोनों खड़े हो जाए. वेर आर यू फ्रॉम? सिकंदराबाद. अतापुर ये तेलंगाना में आता है? क्या बात, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में. थैंक यू सो मच. अब बताए साउथ इंडियन लोग, ये सारे हैदराबाद के लोग, इस सत्यम के नाम ही सत्यम यानी कि सत्य. आप समझ रहे हो, नाम के साथ ही गेम हो गया है. सत्यम एक्चुअली कम्स फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड. यस, सत्य विच मींस ट्रुथ. अब सोचो इंसान भरोसा करे तो किस पे करे? इस कंपनी में सच के अलावा सब कुछ हुआ. कभी कभी कुछ लोगों का नाम ही विश्वास होता है. आई होप यहाँ पे कोई है विश्वास नाम का बच्चा. विश्वास नाम के लड़के के साथ में विश्वास नहीं करे तो क्या करे? पर जब ऐसा इंसान धोखा करे विश्वास कहा. बेटा तुझे काफी अनुभव दिख रहा है इसका. दोस्तों सत्यम ने जो कांड किया उसके बाद में इट वाज नॉट ओनली द फाइनेंशियल टॉर्चर, इट वाज अ मोर ऑफ इमोशनल टॉर्चर. जब आप किसी के ऊपर भरोसा करते हो और वो इंसान आपकी जिंदगी में धोखा करता है, आप समझ रहे हो. बताओ कभी आपने किस पे विश्वास रखा? और कभी आपके साथ में उस विश्वास वाले ने कुछ घात किया? हाँ बेटा उधर वो बच्चे की आंखों में काफी दर्द दिख रहा है मुझे. ठीक है सर. हाँ सर, मेरे साथ में उस चिंटी ने किया था. दोस्तों जब आप जिस कंपनी पे विश्वास कर रहे हो और वहां पे ऐसा कुछ गेम हो जाए ना आपके साथ में, तो लोगों की इमोशन ब्रेक हो जाते हैं. सत्यम के हादसे के बाद में कई लोगों ने सुसाइड तक कर लिया. ये बात संसद भवन तक पहुंची कि कंपनी ने करा क्या है, ये कांड क्या कर रहा है भाई ये, और ऐसा क्या कर दिया हम लोग बेवकूफी से. मतलब भारत में इतना बड़ा लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति के परमिशन के बगैर कोई लॉ बनता नहीं है. लोकसभा में चर्चा होती है, राज्यसभा में होती है, इतने बड़े बड़े एमपी जिनको हमको चुनकर देते हैं वो इस लॉ को बनाते हैं, और ये बंदा इतना स्मार्टली हमारे साथ में प्ले कर गया. बात देश के आबरू की है, गरिमा की है, बात सिर्फ पैसों की नहीं है कि तू लोग पैसे गए तेल लगा रहे हैं. बात ऐसे कैसे गेम कर दिया इस बंदे ने, ये है कौन ये? उसके बाद में इसको समझा गया कि नाउ इट्स, अभी लोग बहुत स्मार्ट हो गए, लोगों को बहुत समझने लगा, लोगों ने लॉ के लूप होल ढूंढ लिए, और उसकी वजह से 2013 में इसको लाया गया.
कंपनी से एक्ट खुला गया। अब मेरा सवाल आपसे ही बताओ, ये एक थोड़ा सा शेयर मार्केट का अगर नॉलेज है आपको, तो आप मुझे बताओ प्रॉफिट बढ़ाना, व्हाट वाज द इंटेंशन बिहाइंड यू नो इंक्रीजिंग द प्रॉफिट, आप क्या बताएंगे? हाँ जी, कोई जवाब देगा इधर से? प्रॉफिट बेटा आप बताएंगे, अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो फिर शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। यस, शेयर्स की वैल्यू प्रॉफिट अगर बढ़ता है, सूरज और एक माइक है, प्रॉफिट अगर बढ़ता है तो आप मुझे बताएं तो क्या संबंध है शेयर का? शेयर होल्डर्स उनको डिविडेंड भी देना पड़ेगा ना प्रॉफिट से। चलो ये बात मानते हैं, और कोई अगर डिविडेंड को होल्ड करेंगे तो उससे शेयर वैल्यू बढ़ जाएगी, नहीं तो मान लिए कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, आप बताएं, अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर होल्डर्स को लगेगा कि कंपनी अच्छे काम कर रही है। क्या बात है, क्या बात, तो इसलिए वो शेयर और इन्वेस्ट करेंगे। ये फेक प्रॉफिट है, ये सिर्फ लोगों को गुमराह किया हुआ है, ये एक्चुअल में प्रॉफिट है नहीं, ये तो लोगों से बताया कि देखो हम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और परफॉर्मेंस तो हुआ ही नहीं है, और ऐसा करके 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 लोगों के ध्यान अट्रैक्ट किया, देखो हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, यानी कंपनी इज रियली गोइंग गुड। और आपको पता है शेयर मार्केट में वही चलता है, जो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कर रही होगी लोग उसके शेयर बाय करने को पसंद करते हैं। फिर क्या हुआ, ज्यादा प्रॉफिट दिखा रहे लोग ज्यादा शेयर की डिमांड कर रहे हैं, ज्यादा शेयर की डिमांड कर रहे हैं, अपने आप ही शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं, और ये बंदे ने अपने सारे शेयर सस्ते भाव में खरीदे थे, फेक प्रॉफिट दिखा दिया कि अपनी प्राइस को 20 से 2000 तक लेके गया एग्जाम्पल, फिर क्या हुआ 2000 के भाव में एग्जाम्पल बेच दिया, और फिर क्या हुआ, जब उसका सब कुछ बेच के हो गया फिर कांड ओपन हो गया, और फिर जिन लोगों ने अभी किसी ने तो इससे बाय किया होगा, तो जिन लोगों ने फॉर एग्जाम्पल, पता है एक समय था ये शेयर 700 का डायरेक्टली 7 रुपए हो गया, यानी कि सोचो 100% कम हो गया। अब जिसने मान लीजिए, और ये बंदा खुद जाके पुलिस स्टेशन में गया था, ही हिमसेल्फ वेंट टू द पुलिस स्टेशन कि साहब मैंने कांड किया हुआ, कब, सब कुछ बेचने के बाद। उन्होंने खुद ने सेबी को कन्फेस किया था एक लेटर लिख के कि आई वॉज राइडिंग ऑन अ लायन, जिसका खुद को कंट्रोल कैसे करना है मुझे खुद ही नहीं पता था, ऐसे करके उन्होंने एकदम लिटरेचर वाली लैंग्वेज में उन्होंने ऐसा कुछ अपना कांड कन्फेस किया। नहीं नहीं अंकिता जी, सब कुछ लोगों को लूट लिया सब कुछ लूटने के बाद में उसको तब लगा कि अब मुझे नेक आदमी बनना है, मैंने इतना बड़ा कांड तो कर दिया, पर साहब देखो मैंने गलत करा है। लोगों को लूट लिया, सोचो 100 करोड़ के शेयर जिसने कल लिए होंगे, आज ये बंदा पुलिस स्टेशन जाके कन्फेस करके न्यूज में आ गया, अब 700 के 7 रुपए हो गए, यानी 100 करोड़ के 1 करोड़ हो गए, सोचो क्या होगा लोगों के दिल के ऊपर। आप सोचो, मजाक नहीं है, यूएस में यही हादसा हुआ था एनरॉन कंपनी में, एनरॉन, और उसके बाद में यूएस सरकार पूरी तरह से हरकत में आ गई, दे वेंट क्रेजी बिकॉज यूएस में ये लॉ का वायोलेशन, इंडिया में कैसा थोड़ा चलता है, हम इंडिया से चलता रहे इसमें क्या उधर लॉ बोले तो लॉ होता है, वो सख्ती होती है, यूएस में गल्फ कंट्रीज में लॉ को बहुत सीरियसली लिया जाता है, बस ऐसे इंडिया जैसा नहीं, वहां पे उन्होंने एनरॉन के हादसे के बाद में जो रिडिफाइन किया था, वैसे भारत ने सोचा कि हमें भी रिडिफाइन करना पड़ेगा ताकि लोगों का विश्वास, सुनो अगर ये नहीं होता ना, आप सभी जानते हैं इंडिया की जो शेयर मार्केट के ऊपर का ट्रस्ट है आज की तारीख में बहुत ज्यादा है, आज कोई भी क्यों, वो एक वजह है बिकॉज अब द कंपनीज एक्ट 2013 आ गया, बिकॉज भारत सरकार इज टेकिंग ऑल द मेजर्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ यू नो द शेयर होल्डर्स, यानी कि जितने भी लोग हैं जो आज के बाद में शेयर मार्केट में या किसी का भी शेयर लेंगे तो दे आर नॉट वरीड, बिकॉज सारे के सारे जो लॉ है गवर्नमेंट ने ऐसे सेक्शंस को उसमें इंट्रोड्यूस किया है ना, ताकि कोई भी कंपनी किसी भी शेयर होल्डर के साथ में कुछ गलत काम नहीं कर पाएगा, वापस से सत्य में ऐसा कोई भी हादसा भारत में नहीं होगा। जी मैम प्लीज, राइट, ये मेरे को सिर्फ बताना था शेयर प्राइसेस, ये जब कांड बाहर आया कहां से कहां प्राइस गिर गया, आप देखो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को सत्यम के इस डिसीजन के बाद सत्यम के स्टॉक में जोरदार गिरावट हुई, यूएस के एक इन्वेस्टर ने सत्यम ऑलमोस्ट 500 रुपए का जो शेयर था दैट ड्रॉप डाउन टू ₹7 पर शेयर, तो आप सोचो जिस बंदे ने 500 रुपए में कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं अगले ही पल उसके जो शेयर के प्राइसेस है दैट ड्रॉप डाउन टू ₹7, तो करोड़ों में आम जनता का नुकसान हुआ। एंड कौन बन गया, 2008 में आए रिसेशन के कारण रियल एस्टेट मार्केट में बहुत स्लो डाउन यानी मंदी आई, और अच्छे प्राइस पर प्रॉपर्टीज बेचकर एक्चुअल फिगर्स और फेक फिगर्स का गैप फिल करने का राजू का प्लान फेल हो गया। उसके बाद गैप फिल करने के लिए राजू ने नया प्लान बनाया। इस प्लान के अनुसार सत्यम कंप्यूटर, मेटस इन्फ्रा के 51% स्टेक्स और मेटस प्रॉपर्टीज के हक, ये पैसा मेटस के प्रमोटर, तो मेटस बन जाता है
पैसों से इन दो कंपनीज को खरीदा गया है, जबकि एक्चुअल में कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगा। उन्होंने क्या सोचा, मेटस जो है वो भी उनकी उन्हीं के ग्रुप की कंपनी थी, मेटस रामलिंगा राजू के बेटे की कंपनी थी। उन्होंने सोचा चलो अब अगर ये प्लान के लिए शेयर होल्डर्स ने सैंक्शन नहीं किया, मेरे पास एक ऑप्शन नंबर टू है, मैं क्या करता हूं, मैं मेटस कंपनी को टेक ओवर कर लेता हूं। तो किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करते वक्त परचेस कंसिडरेशन देना पड़ता है, तो ये परचेस कंसिडरेशन विल बी मोर देन द एक्चुअल फिगर्स स्टेटेड इन द बैलेंस शीट, ताकि ये जो गैप मैंने बनाया है इन सत्यम, ये मैं बताऊंगा दैट दिस इज द गुडविल अमाउंट दैट आई एम पेइंग फॉर मेटस। ओके, तो ऐसे करके ये गैप मेरे एक्चुअल और फेक फिगर्स का मैं फिल कर दूंगा बाय शोइंग दैट आई हैव पेड परचेस कंसिडरेशन फॉर गुडविल ऑफ द कंपनी दैट आई एम परचेजिंग। बट ये ट्रांजैक्शन के लिए भी शेयर होल्डर्स ने इनकार कर दिया और ये रेजोल्यूशन भी शेयर होल्डर्स की मीटिंग में पास नहीं हुआ। मैम एक सवाल है बच्चे का कि ये सत्यम का केस स्टडी एग्जामिनेशन में पूछेंगे क्या, राइट ऑन द फ्रॉड ऑफ सत्यम? नहीं, वो बेटा 10 मिनट से मैम सत्यम के बारे में क्यों बात करें, जब क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा एग्जामिनेशन में। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, लॉयर है मेरी बात रखूंगा, मेरे ये क्लाइंट्स है सारे, अरे मैं आपके पक्ष में लड़ रहा हूं, ताली तो बजाओ मेरे लिए। आप कब से बोले जा रहे हो सत्यम ने ये किया वो किया, कोई कोई संबंध भी है इसका? बहुत सारे संबंध है। सबसे पहली बात तो ये एक्ट क्यों आया, तो हमें सबसे पहले जो कड़ी मिलती है दैट इज सत्यम का केस। उसके साथ साथ चैप्टर नंबर 3 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स जब आप पढ़ने वाले हो उसमें एक सेक्शन है रिलेटिंग टू क्लास सूट। क्लास सूट का क्या मतलब होता है, जब भारत देश में ऐसा कुछ कांड हुआ है। नहीं नहीं, वो जानना ही चाहेंगे आप कि अगर ये सत्यम है और क्लास सूट है तो क्या कोई सेक्शन भी ऐसा है? हाँ, तो वही मैं बता रही हूँ ना। नहीं नहीं, एक मिनट मुझे आप ऐसा रोक नहीं सकते हम गुरु जी, आपने हमें रोका है। नहीं रुकिए ना, अगर मान लीजिए, अब बताओ सत्यम के केस में कितने लोगों को दर्द हुआ होगा? बहुत लोगों को दर्द हुआ, एक नहीं हजारों की तादाद में। अब जिसके 700 रुपए का शेयर 7 रुपए हो जाएगा, 7 लाख की चीज 700 रुपए हो जाएगी, अब समझो 100 करोड़ की चीज 100 गुना, आई मीन इतना गुना कम हुआ है, 100 गुना कम हो गया, 100 रुपए की चीज 1 रुपए में हो गई, तो आप बोलो कितने लोगों को दर्द तो हुआ होगा। ये सारे लोग न जाने किस किस ने कितने मेहनत से पैसे लेके शेयर्स भागे। एक तो इंडिया में अपना बहुत एक सब मिडिल क्लास लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग मेहनत करते हैं, कैसे तैसे करके सेविंग करते हैं, और उस सेविंग से अगर शेयर मार्केट में पैसे लगा रहा है और वो भी ऐसा हादसा हो जाए, अब तो लाखों करोड़ में तादाद में लोग होंगे, अरे होंगे ना। मैम एक अगर लेना चाहूंगा एक सेकेंड, अगर आपसे मैं पूछूं, नेट चलता है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इन रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, एक बार जरा देख लेना क्या लिखा है। हम 644 करोड़ लोग, आई मीन 644 नंबर ऑफ शेयर्स, हो सकता है मेरे जैसे लोगों ने 4,000, 5,000, 50,000 लिए होंगे इसमें से, तो न जाने कितने लोगों के पास में शेयर्स होंगे, अरे होंगे ना भाई। उसमें से आप सभी जानते हैं कि उसमें से मोटा भाई के पास कितने, एक बार देख लीजिएगा। हाँ जी, पता है मैं रिलायंस कंपनी में पैसे क्यों लगाता हूं? अगर रिलायंस कंपनी डूबेगी ना, सबसे पहले मोटा भाई डूबेगा, क्योंकि 50% वो अकेला होल्ड कर रहा है, मैं हूं ही कौन, अपन आम आदमी भाई, अपने जिंदगी की सारी रोजी रोटी रिलायंस में लगा दी, ये सोच करके ये डूबेगा तो ये अपनी कंपनी को डूबेगा क्या? तो सबसे पहले खुद डूबेगा, क्योंकि उसका खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, हिज 50% स्टेक इज इन्वॉल्व। आप मुझे बताओ, चलो एक बात मान लेते, रिलायंस जैसे कोई भी कंपनी की बात मानते, इतने सारे लोग हैं, अब ये सारे लोग तड़प रहे हैं, कब मान लो कल चाहिए रिलायंस से कांड करते, मैं तड़प रहा हूं, आप तड़प रहे हो, पूरा देश तड़प रहा है जिनके इसमें रिलायंस के शेयर, तो क्या करेंगे? इसके लिए क्या होना चाहिए? सब लोग अब अपने अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाएंगे और केस ठोकेंगे या कुछ होना चाहिए? सोचो कितनी सारी केसेस आएगी। क्या मैम इसके लिए कोई सेक्शन बना सकते हैं आप? यस, क्या आपकी लॉ में इसके लिए कोई सेक्शन है? हम सबको प्रॉब्लम है, मान लीजिए सत्यम के अगेंस्ट में लड़ना है, क्या लॉ में ऐसा कोई प्रोविजन होना चाहिए था? और 2008 में ऐसा कोई भी प्रोविजन हमारे पास नहीं था, हमारे पास में कोई भी प्रोविजन नहीं था, हम बेबस फील कर रहे थे। तो सोचो क्या होना चाहिए उस केस में, हमारे पेस में क्या होना चाहिए, एक सेक्शन होना चाहिए जिसमें ऐसा कुछ होना चाहिए कि सारे लोग एक साथ में मिलकर कुछ करें। मैंने आपको पहले ही कहा था सेक्शन व्हाट से ज्यादा वाई भी पता होना चाहिए। अब समझा ये सेक्शन क्यों आ रहा है?
मैम जरा बताइए वो सेक्शन क्या है। दो सेक्शंस के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। एक सेक्शन तो आपके सिलेबस में ही है, चैप्टर नंबर 3 में आप पढ़ने वाले हो सेक्शन नंबर 37, और साथ साथ में और एक सेक्शन है कंपनीज एक्ट में सेक्शन नंबर 245। ये दोनों भी सेक्शंस जो है ये बात करते हैं क्लास सूट के बारे में। अब क्लास सूट होता क्या है, कांड एक हुआ है बट अफेक्ट हुए मल्टीपल लोग पूरे भारत देश में। अब आप सोचो आपके और मेरे जैसे लाखों लोग इंडिया में है, मैंने अगर 10,000 के शेयर्स खरीदे, आपने 5,000 के, किसी ने 25,000 के, किसी ने 30,000 के, किसी ने लाख के, किसी ने 10 लाख के, बट हम अकेले बहुत कमजोर है। आप सोचो अगर मैंने सिर्फ 10,000 के शेयर्स किसी कंपनी में खरीदे है और वो कंपनी में कांड हुआ है, मैं सोचूंगी मैं क्या ही कर लूंगी वो कंपनी के अगेंस्ट, मेरे पास इतना समय नहीं है। और कल जाके अगर मैंने किसी लॉयर को भी लगा दिया तो जो मेरे को कॉम्पेंसेशन मिलने वाला है उससे तो ज्यादा फीस लॉयर ही चार्ज कर लेगा। तो आई डोंट हैव एनी एक्चुअल मोटिव बिहाइंड फाइलिंग अ केस अगेंस्ट दैट कंपनी। आप सोचो मेरे जैसे तो कितने ही लोग ऐसा सोचते होंगे जिनके पास पैसा नहीं है, समय नहीं है, या अपना दिमाग वो खराब नहीं करना चाहते हैं। कांड किसने किया है, हम पछता रहे बट फिर भी हम वो बंदे के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर रहे। तो अब ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आपने गलती की है क्या आपको सजा भी मिलनी चाहिए। तो अब ऐसे केस में क्लास सूट का सेक्शन इंट्रोड्यूस करने के वजह से व्हाट कैन हैपन इज वन पर्सन कैन बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेनी ऑफ अस। लाइव चल रहा है ना कि रुका हुआ है? ऑल ओके गाइस, जो लोग लाइव स्ट्रीम में देख रहे हैं ओके, आई थिंक इट्स ऑल ओके, ठीक है। तो आप सोचो लाखों लोग एक साथ एक ही कांड की वजह से अफेक्ट हुआ है, इंडिविजुअली मे बी वो लोग केस फाइल नहीं करेंगे बट वन पर्सन कैन फाइल अ केस बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सो मेनी पीपल, एंड जस्टिस फॉर वन विल बी जस्टिस फॉर ऑल। तो ये सेक्शन को ही इंट्रोड्यूस किया गया है विथ दिस सत्यम केस इन माइंड। इसके पहले क्लास सूट्स कंपनीज एक्ट में था नहीं, मतलब इंडिविजुअली सभी को केस फाइल करना पड़ता था। आप सोचो ना आज भी इंडिया में मिडिल क्लास लोगों की मेंटालिटी वही है कि अरे सोचो आपने अगर मुझे पूछा मैम क्लास के बाद कहाँ जा रहे हो क्या कर रहे हो, तो मैं बोल रही हूँ मैं कचहरी मतलब कोर्ट जा रही हूँ, तो आप मेरे को ऐसे शक यू नो भरी निगाहों से देखोगे मैम कचहरी जा रही है मतलब मैम ने ज़रूर कुछ कांड किया होगा। कोई ये नहीं सोचेगा कि मेरे साथ भी गलत हुआ हो सकता है, आज भी मेंटालिटी वही है। तो समझो मिडिल क्लास इंसान आज भी डरता है केस फाइल करने से, और अगर इतने सारे लोगों के साथ अगर गलत हुआ है ओके, सो नाउ देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल, एंड दैट इज व्हाई वी इंट्रोड्यूस दिस सेक्शन ऑफ क्लास सूट सेक्शन नंबर 37 हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 में, और एक है सेक्शन नंबर 245 ओके जो कंपनीज एक्ट में है रिलेटिंग टू क्लास सूट। सो दिस सत्यम वॉज द केस which provoked the Ministry of Corporate Affairs to have a section under the Companies Act. Kal jaake aage agar kuch similar cheez hoti hai to one person also can file a case. Pura isme ye samajh mein aa raha hai ki kahin na kahin pehle dard hota hai aur fir uske upar bahut charchaen hoti hai fir uske upar law banaya jata hai, to aap law samjho kahin na kahin kuch hote hi rehta desh mein aur fir un sari cheezon ko fir sansad mein le jaya jata hai ki aisa kyon ho raha hai, fir kya karte wahan pe ek उसकी रिस्पेक्टिव मिनिस्टर क्या करती है उसकी बातों को संसद में रखती है यार ऐसा हो रहा है हमें कुछ तो अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, एंड देन फिर वो नया लॉ की शुरुआत करते हैं। तो नया लॉ कभी भी ऐसा नहीं आता, नया लॉ आने से पहले कुछ ना कुछ तो पहले होता है, जैसे कि क्लास सूट जो आया है। आप समझ रहे हो व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट। अच्छा सोचो मैम अगर क्लास सूट ही नहीं होता तो क्या होता? वही तो बात है ना कि इतने सारे लोगों के साथ गलत हुआ है बट कभी उनको जस्टिस मिलती नहीं, या फिर अगर वो केस फाइल करते हैं तो क्या सबको इंडिविजुअली फाइल करनी जरूरत पड़ेगी? फिर अगर मुझ में ताकत है मैं केस फाइल करूंगी और फिर मेरे को मेरा कॉम्पेंसेशन मिलेगा बट बाकी लोगों का क्या होगा फिर? आप सोचो, आप समझ आ रहा है? तो आज आपने ये केस से ये समझा, ये जो कब से चल रहा था हमारा सत्यम के बारे में, ये एक ऐसी हिस्टोरिकल केस है, एक ऐसा एकदम क्या बोलते हैं लैंडमार्क जजमेंट टाइप ऑफ केस, लैंडमार्क केस टाइप ऑफ केस है कि जिसको देखने से आप समझते हैं कि बहुत सारी गलतियां हो सकती है 1956 के बाद भी, एंड बिकॉज ऑफ विच वी अंडरस्टूड कि देयर इज अ नीड ऑफ चेंजिंग द लॉ, इसलिए द कंपनीज एक्ट 2013 को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें ऐसे ऐसे सेक्शंस और ऐसे ऐसे प्रोविजंस लाए ताकि लोग कोई गलत कर ही ना सके। मैम प्लीज आगे।
नहीं ठीक है, मुझे लगता है कि मोटा मोटी अब सभी मैं कुछ अपने कुछ बताऊं जो मुझे बताना है। एक प्लीज ये मैं बंद कर रहा हूँ। हाँ बंद कर दो। थैंक यू मैम। बोल रही थी मैम, जैसे कि 5 मिनट लेना चाहिए मुझे, थोड़ा सा बच्चों का और भी एक बार बताओ एक कंपनीज एक्ट किसको एप्लीकेबल, थोड़ा सा मैं आपका नॉलेज टेस्ट करना चाहता हूँ मैम। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कंपनीज एक्ट है किसको एप्लीकेबल, प्राइवेट को या पब्लिक को या दोनों को भी? आवाज नहीं आ रही यार। आप मुझे बताओ कि देश में बहुत सारी कंपनीज है, आप बता सकते देश में कंपनीज कितनी होगी? 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, कितनी कम लाख कंपनीज है अंदाज आपके? 5 लाख से कम या 5 लाख से ज्यादा? ज्यादा होगी अंदाज, 10 लाख से ज्यादा? ज्यादा होगी पक्का, 10 लाख से ज्यादा ऐसा कितने लोगों को लगता है? ओके 15 लाख से ज्यादा? 15 लाख से थोड़ा सा ये ऐसा वाला हाथ क्या होता है? 12.5 लाख ये कौन सा हाथ है ऐसा? अरे तो ऐसा हो रहा तो ऐसा होगा ये कौन सा हाथ है? ओके मैम बताए इसका जवाब मैम से ही देगी। 15 लाख से कम या 15 लाख से ज्यादा? 15 लाख से ज्यादा। दोस्तों भारत देश में 15 लाख से भी ज्यादा कंपनीज है जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, और जिसकी वजह से आप समझिए ये जो लॉ है उन सारे 15 लाख से ज्यादा कंपनीज के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। उसमें स्वप्निल पाटनी क्लासेस एक प्राइवेट एजुकेटेड लिमिटेड एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड है उसको भी एप्लीकेबल है, लायंस को भी एप्लीकेबल है। आज देखते हैं आखिर देश में कौन सी कंपनीज है जिसके लिए एप्लीकेबल है। मैं आपको आज टॉप 100 कंपनीज के बारे में बताऊंगा। एक मिनट मैं आपको एक बार कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। यहां पे देश की आपके हिसाब से भारत देश में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं भारत देश में सबसे बड़ी कंपनी मार्केट कैप वाइज कौन सी? मेरा सवाल है भारत देश में कवर कर मुझे अमर। अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं भारत देश में सबसे बड़ी कंपनी मार्केट कैप वाइज कौन सी, आप सवाल उठ रहा है कि मार्केट कैप किसको कहा जाता है? आप में से कितने लोग जानते हैं मार्केट कैप क्या है? बट आप जानते हो क्या बात है? ओके आप भी जानते हैं, वेरी गुड। आप खड़े हो जाएंगे मैं आपके पास आता हूं, कवर करना सब मुझे। ओके बेटा सबसे पहले सवाल चल रहा है मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। आपका नाम बताए? अक्षत ठोले। अक्षत कहाँ से है आप? कोपरगांव। कोपरगांव शिरडी के पास है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। यहाँ पे साई बाबा के दरबार से एक बार ताले बजा दो। साई बाबा के दरबार से कोई आया है? आज बाबा के दरबार से अक्षत यहाँ पे आए हैं हम सबके लिए प्रसाद लेके, और ये आंखों में काफी सपने लेकर हमारे बीच यहाँ पे उपस्थित है अक्षत। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। अक्षत आपका CA फाउंडेशन या डायरेक्ट एंट्री? CA फाउंडेशन सर। और अपने CA फाउंडेशन एग्जामिनेशन अभी हाल ही में क्लियर किया? यस। अब बताओ शेयर मार्केट में आपके इंटरेस्ट है या कैसे, मतलब है आप कोई इंटरेस्ट है? हाँ। घर पे कोई डील करता है शेयर मार्केट में? हाँ। कौन? दादाजी है, मैं खुद भी करता हूँ। आप खुद भी? हाँ। पक्का? आपका खुद का भी डीमैट अकाउंट है? हाँ। क्या बात है, इसमें पहले से आपको इंटरेस्ट है? हाँ, पहले से। क्या बात है, चलो हमारे बीच में खुद ट्रेडर हमारे बीच में इन्वेस्टर बैठा हुआ है अक्षत। अब बताएंगे मार्केट कैप किसको कहा जाता है? मार्केट कैप सर करंटली शेयर प्राइस का जो रेट है मल्टीप्लाइड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी, उससे टोटल मार्केट कैप का वो होता है। एक बार ताले बजा दीजिए इनके लिए, क्या बताएं, सुपर। बड़ा आप कहाँ से हैं? तेलंगाना। ये क्या बोला भैया अभी? मार्केट कैप का एक्सप्लेनेशन। मार्केट कैप मतलब आपके हिसाब से क्या होता है? कंपनी की टोटल वैल्यूएशन। कंपनी की टोटल वैल्यूएशन, टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी कैसे निकाली जाती है? एक कंपनी में कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, कितने होंगे ना 150, अभी देखा ना हमने कितने थे वो स्क्रीन के ऊपर आ रहा था 600 कुछ तो करोड़। उसको मैम जरा वहाँ पे कंप्यूटर पे आप एक चीज लिख सकते हो, ये इतने नंबर ऑफ शेयर जो आपके कैलसी पे बैठेंगे नहीं, जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको, वो कैलसी पे लिखना मत, आएगा भी नहीं, ठीक है ना। अब आप जरा सर्च करें रिलायंस शेयर प्राइस, किसी को जानकारी कि रिलायंस की कोई शेयर होल्ड करता है, क्या रेट चल रहा है अभी बताएंगे? 2800 वो मर्जर से और डी मर्ज के पहले वाला, अभी कितना चल रहा है? 2600। डी मर्ज के बाद में 2500 के आसपास। बेटा आपका नॉलेज काफी नजर आ रहा है इसमें। चेक कभी कभी
हाँ सर जी सर कनक गांधी राजस्थान ब्यावर राजस्थान ब्यावर में या ब्यावर राजस्थान से हमारे बीच में यहाँ पे कनक नाम है आपका राइट कनक शेयर मार्केट में नहीं नहीं आपसे बात करेंगे पहले आप बताइए ये आप क्या बोला जाए 2569 है तो कैसे निकलती मार्केट वैल्यू मार्केट कैप 2569 मल्टीप्लाइड बाय द आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो अभी इसके पहले स्क्रीन पे देखे थे उसके बाद में बन जाती कंपनी की मार्केट कैप समझ में आ रहा है और ये मार्केट कैप में भारत देश में सबसे ऊपर कोई कंपनी है वो है रिलायंस रिलायंस इज हैविंग द लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन ओके आज भारत में इनकी कैपिटलाइजेशन आपके हिसाब से कुछ जानते 269 बिलियन डॉलर्स कुछ तो ओके ये बिलियन ये डॉलर्स में बात करें हम लोग काम करेंगे रुपीज में बात करेंगे कोई जानते हैं रुपीज में कितने लाख करोड़ की कंपनी है लगभग इनका जो वैसे तो डिपेंड्स ऑन द मार्केट प्राइस बट ये 17 लाख 18 लाख करोड़ के मैं 17 लाख रुपए नहीं बोल रहा हूँ मेरे शब्दों को देखिए 17 लाख करोड़ आपको समझ रहे शब्द क्या है करोड़ पे कितने जीरो होते तो 17 लाख लिखने के उसके अंदर 7 जीरो चिपकाने के वो जो नंबर आएगा वो उनका नंबर है एक बार जरा बता दीजिए मैम थोड़ा सा नीचे लीजिए स्क्रीन को ऊपर मतलब और ऊपर जाने दो और ऊपर 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 मतलब आप सही कर रही थी पहले आई एम सो सॉरी ऊपर नीचे गड़बड़ हो गई मुझसे आप देख रहे हो यहाँ पे मार्केट क्या दिख रहा है क्या लिख रहा है एक छोटी सी कंपनी को यहां से पहुंचा है एक बंदे ने धीरू भाई के बाद में मुकेश अंबानी ने ये वाला विजन आपके दिमाग में होना चाहिए जब आप इस क्लास में बैठ रहे हो क्या कंपनी का आंकड़ा दिख रहे हो भाई 17.5 लाख करोड़ की कंपनी बनाई है साहब नॉट अ जोक ये है मार्केट कैप ऐसे सारे कंपनीज के लिए बनता है कंपनीज एक्ट समझ आ रहा है नॉट ओनली द स्मॉल कंपनीज बट द बिग कंपनीज ऑल्सो रिक्वायर टू फॉलो द कंपनीज एक्ट तो सर क्या आपको लगता है अक्षत क्या ये जो कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं रिलायंस लोग रिलायंस भी फॉलो करता होगा यस सर क्यों वो तो बहुत बड़े हैं बढ़कर देश में कोई नहीं लॉ लॉ होता है चाहे तुम रिलायंस की बात करो चाहे टीसीएस की बात करो चाहे इंफोसिस की बात करो या महिंद्रा की बात करो या मारुति की बात करो लेट इट बी एनी कंपनी इन इंडिया अब जानते हैं सेकेंड अब देखते हैं इस क्लास का और एक नॉलेज पार्ट चेक कर लेते हैं आपको पता है कि वो जो लेडी ऑफ जस्टिस है लेडी ऑफ जस्टिस इंडिया में उसको ब्लाइंड फोल्ड होता है कभी देखा है आपने अच्छा अंधा कानून हाँ नहीं नहीं ऐसे मत बताओ वो ब्लाइंड फोल्ड क्यों लगाया गया है इसी कारण के लिए फॉर हर कोई भी बड़ा कोई भी छोटा नहीं कोई भी मेल कोई भी फीमेल नहीं कंपनीज की अगर बात करें तो कोई भी प्राइवेट कोई भी पब्लिक कंपनी नहीं उसके लिए सारी कंपनीज एक ही है और सारी कंपनीज के लिए ये लॉ एप्लीकेबल होगा चाहे एसपीसी प्राइवेट एडटेक क्यों ना हो या चाहे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी क्यों ना हो है ना क्या बात है आप लोग आप दोनों बैठ जाए थैंक यू सो मच आपसे कुछ एक सवाल पूछेंगे हु इज द व्हिच कंपनी इज द सेकंड बड़ी वाली कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप जी हाँ इधर से कभी मुझे अभी तक एक भी जवाब नहीं मिला ये लोग कुछ बोलना ही नहीं चाहते इधर से किसको मार्केट कैप इज सेकंड लार्जेस्ट TCS बड़ा खड़े हो जाइए आप इनके माइक दर बेटा TCS आर यू श्योर अबाउट इट मैम वो जो पहले वाला डेटा निकालना सबसे नंबर वन वाला टॉप 100 हाँ जी हाँ जी उसमें यहाँ पे बस यही 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 डेटा चाहिए मेरे को आप देख सकते हो सेकंड कंपनी जिसका नाम क्या है TCS ये टाटा नहीं है ये TCS है जो टाटा कंसल्टेंसी के नाम से जाने जाती है टाटा के पास बहुत सारी कंपनीज है उसमें उसका एक छोटा सा बेबी है जिसका नाम है TCS पापा उनके नाम है कोई जानते हैं इसके पापा का नाम क्या है बेटा बताइए टाटा सन्स बेटा काफी नॉलेज रखते हैं आप क्या नाम है जी आपका हर्ष हर्ष कहाँ से झारखंड से झारखंड से एक बार हर्ष के लिए ताली बजाइए झारखंड से हमारे बीच में यहाँ पे उपस्थित है हर्ष झारखंड यहाँ पे हमारे बीच में कह रहे हैं कि टाटा सन्स नाम की बहुत बड़ी कंपनी है और जिनका ये छोटा सा कंपनी जिसका नाम है TCS क्या टाटा के पास में इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज और है एक बार नॉलेज टेस्ट कर लेते मैम देखते हैं कि टाटा की और भी कंपनीज का नाम किसी को कुछ याद है हाउ मेनी ऑफ यू नो मोर कंपनीज अबाउट टाटा आप सब जानते हो टाटा के बारे में और बहुत सारी कंपनीज है बेटा एक नाम बताना उधर से टाटा स्टील इधर मोटर्स टाटा स्काई टाटा पावर बेटा टाटा स्काई तन इश्क ओके ओके टाटा मोटर्स टाटा टाइटन ताज होटल टाटा नमक जोड़ियो
टाटा नमक देश का नमक, आगे टाटा चाय पत्ती, एयरलाइन में कुछ है क्या टाटा का? एयर इंडिया, और एक एयरलाइन टाटा की है, विस्तारा, वेरी गुड। टाटा के पास बहुत कुछ है भाई। आपने कभी, क्या बात है, ये बच्चा देखो हर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में स्टारबक्स जाता है, वो बोला सर कि स्टारबक्स का नाम क्यों लेते, मेरी गर्लफ्रेंड को कितना पसंद है स्टारबक्स। बड़ा भैया के पास माइक देना क्या बेटा? आप जब स्टारबक्स बोले आपने बहुत अच्छे से मुस्कुराए। बेटा क्या कब गए थे स्टारबक्स? नहीं गए। अरे गए तो होंगे, बताओ हम किसको नहीं बताएंगे, बस एक कोई किसको नहीं बोलेगा, ये किसके साथ गए थे, कब गए थे, सच बता कब गए थे? जाने वाले ठीक है, जस्ट मस्ती कर। कहाँ से? भारत को क्यों बताएगा, कहाँ से है? तिरुपति। तिरुपति बालाजी भाई, आज तो बालाजी शिरडी इधर ही है। एक बात आ रही है यार, क्या बात, मतलब ये मैम इनके आपके पापा मम्मी को जरूर ये वीडियो जरूर दिखाए, बताना हम संस्कारों भरी क्लास कर रहे हैं। शिरडी के साई बाबा से लेकर तिरुपति, तिरुपति जानते हो ना कि नहीं जानते? गोविंदा गोविंदा, बराबर है भाई, सही है। आज हमारे पास पूरा आशीर्वाद भरा क्लास है, आपको पूरा आशीर्वाद मिलने वाला है यहाँ पे। कोई यहाँ पे अमृतसर से है? अमृतसर, नांदेड़ से कोई है? ओके बेटा उधर से भी आशीर्वाद लेकर ही आना, ठीक है ना? ओके कौन है तगड़ी जी? ये बड़ा सही वाला, कहाँ से? पुणे से तगड़ी जी, चाकन से ये। अरे सर सब मंदिर हो गए, मेरे भगवान का है तगड़ू शेठ, वो भी तो है, ठीक है बेटा। सब लोग आए हैं बड़ा, बहुत अच्छा लगा। अन्ना हमारे बीच में इनके प्लान से ये भी स्टारबक्स जाएंगे। तो दोस्तों हमारे बीच में टाटा की बहुत सारी कंपनीज है, और अगर मैं आज देश में देखता हूँ इतनी सारी टाटा कंपनी, क्या आपने कभी देखा है टाटा कंपनी का नाम कभी भी गलत चीज़ों में आज तक आया है कि नहीं आया है? आपके हिसाब से क्या उसूलों में टाटा कंपनी सबसे आगे है, क्या एथिक्स में सबसे आगे है, और कंपनीज एक्ट फॉलो करने में भी सबसे आगे है? कभी टाटा को ऐसे आप टाटा कोई भी प्रोडक्ट लेकर आ जाए ना, तो उसकी शेयर मार्केट में आईपीओ तुरंत उसका वो हो जाता है, सब्सक्राइब हो जाता है। क्यों? व्हाट इज द रीजन? एक कंपनी में होता है एक एथिक्स। मैम कैसे होता है जब कोई कंपनी बहुत ही एथिकल हो जाती है ना, जब कोई मार्केट में उसका आईपीओ लेकर आ जाता है, तो अपने जैसे लोग बोलते हैं टाटा है ना, गेवन टाक टाटा, तो विद इन व्हाट इज द वरी, बिकॉज एक ब्रांड नाम ही काफी है व्हेन इट इज टाटा। इसी तरह से बिकॉज ये लोग लॉ को फॉलो करते हैं, और अगर आपको भी जिंदगी में बहुत आगे जाना है कंपनीज में, तो लॉ को फॉलो करने से आपकी मार्केट वैल्यूएशन बढ़ जाती है। ये सारी कंपनीज है, इसमें से सिर्फ टाटा, अगर मैं देखता हूं, अगर तेरा राइट साइड देखना, इनके वैल्यूएशन 12.5 लाख करोड़ की है। ये सिर्फ एक बच्चे की वैल्यू है, आप समझे नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मैं टाटा समूह की वैल्यू करूं, टाटा सन्स की वैल्यूएशन करूं, मैम जरा लिखिए वहां पे टोटल मार्केट कैप ऑफ टाटा, तो इट विल बी ह्यूज। आई मीन मैं तो अभी सिर्फ एक बच्चे की वैल्यूएशन देख रहा हूं, इस टाटा सन्स में तो बहुत सारी कंपनीज है, उनकी पुट टुगेदर अगर मैं वैल्यूएशन देखता हूं, इट विल बी टू मच टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ टाटा ग्रुप। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस? सर ये तो पहले तो बिलियन नहीं समझता, और बिलियन के अंदर डॉलर तो बिल्कुल नहीं समझता। अब ये क्या करें इसका, बिलियन मतलब कितना और डॉलर मतलब, बिलियन और डॉलर याद रखना, $1 बिलियन यानी कि 8,000 करोड़, फक्त 8,000 करोड़ रुपए, कर लगा 8,000 crores मल्टीप्लाइड बाय 311 अराउंड 25 लाख करोड़। उसमें से एक बच्चे की वैल्यूएशन 12.5 लाख करोड़ है, और पूरे टाटा समूह की वैल्यूएशन बाकी इसकी 12.5 लाख करोड़ के आसपास है। एंड 25 लाख करोड़ की कंपनी, अगर टाटा की सारी कंपनी अगर मर्ज हो जाए ना एक दूसरे, जैसे कि अभी इन दिनों में HDFC मर्ज हुआ था, HDFC बैंक, कितने लोग जानते हैं HDFC का हाल ही मर्जर हुआ? सर ये सारी बातें क्यों कर रहे क्लोज में, हम तो कंपनी से पढ़, चिंटो तो क्या मैं अकाउंट्स में पढ़ाओगे ये सब? दो कंपनी को अगर आपस में कुछ करना हो तो क्या करेंगे आप? ऐसा क्यों मुस्कुरा रहे हो? ऐसा करना है ना, मैं कह रहा हूं मर्जर करना है, मर्जर, मर्डर नहीं, मर्जर। बेटा आपका नाम क्या? सोनक। सोनक थाने, थाने से आए यहाँ पे। आप मुझे बताओ दो कंपनी को अगर आपस में HDFC में, हम जरा HDFC मर्जर के बारे में डालो जरा स्क्रीन के ऊपर। सर इसके लिए भी कोई लॉ होता है अगर दो कंपनी आपस में एक दूसरे के साथ कुछ करना चाहती है? मेरे शब्दों को आप सीरियसली ले,
दो कंपनीज अगर आपस में एक दूसरे के साथ कुछ करना चाहती है तो क्या कर सकती है क्या सर? मतलब क्या करना चाहिए? एचडीएफसी देखो यहाँ पे, जरा इसको स्क्रीन को बड़ा कर दीजिए मैम, क्या लिखा है यहाँ पे? और आपको पता है, वी आर प्राउड टू से एचडीएफसी नाउ वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट बैंक, नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट बैंक है। क्या लिखा है यहाँ पे? एचडीएफसी लिमिटेड एंड एचडीएफसी बैंक मर्जर। आप कहेंगे सर ये क्यों पढ़ा रहे हो? भाई साहब एक सेक्शन है, आई टेल यू द सेक्शन नंबर, द कंपनीज एट सेक्शन नंबर 230 एंड द कंपनीज एट सेक्शन नंबर 232 के बगैर ये मर्जर हो ही नहीं सकता। आपके अपने घर का राज नहीं चल रहा, मर्ज कर लो। ऐसे कैसे मर्ज कर लो? कंपनी सर बोली मेरा भी कुछ रोल है इधर। मर्ज करने से पहले वो करना पड़ेगा जो 230 सेक्शन में लिखा हुआ है। 230 सेक्शन में लिखा है दो कंपनी अगर आपस में मर्ज करना चाहती है बगैर एनसीएलटी के होगा ही नहीं। एनसीएलटी का लॉन्ग फॉर्म बोलिएगा, लॉन्ग फॉर्म बोलो एनसीएलटी का, कम ऑन यार। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, आपने तो यहाँ पे नजदीक के थाने में चल जाओगे, दो कंपनी मर्ज हो रही है सब, ये लोग पुलिस स्टेशन वाले कराएंगे आपका मर्जर, ये कोई शादी विवाह चल रहा है। दो कंपनी को मर्ज होना तो क्या चाहिए? कोर्ट चाहिए जिसका नाम है एनसीएलटी। इसलिए ये अच्छा, ये कहां पे पढ़ने मिलेगा? ये पढ़ने मिलेगा द कंपनीज एक्ट में। इसलिए कंपनीज एक्ट की जरूरत है, जहां पे समझता है कि मर्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अभी हाल ही में एक नया मर्जर होने जा रहा है, मैम जरा लिखिए जी सोनी। आप जानते हो एक दो टीवी चैनल मर्ज हो रहे हैं, जी टीवी सोनी टीवी, दोनों एक दूसरे के राइवल है। अरे सोनी अब तो टीवी तो देखते होगे कभी, जी के बहुत सारे चैनल्स हैं, सोनी के भी है, हाँ दोनों होने जा रहे मर्ज। और इसके लिए पता है कि सीसीआई ने अनुमति भी दे दी है। देखो यहां पे लिखा, आप तक क्या लिखा, यही तो लिखा है, यही तो सेक्शन नंबर 230-232 है। आप बोलेंगे सोनी और जी मर्ज हो तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? दो अलग अलग कंपनी अगर मर्ज हो रही है तो कोई तो सेक्शन लगेगा ना, क्योंकि ये जब आई थी तब भी इन्होंने सेक्शन फॉलो किया था, जब हमें मर्ज होगी तब भी तो कोई सेक्शन होंगे। इसलिए कंपनी एक्ट को पढ़ना जरूरी है। आप कोई भी कंपनी हो 470 सेक्शन आपको पता होना जरूरी है। अनलेस एंड अंटिल यू नो अबाउट 470 सेक्शन यू कैन नॉट रन द कंपनी। ऐसा नहीं होना चाहिए आपकी कंपनी ने कुछ सेक्शन को वायलेट कर दिया हो। बींग द ओनर ऑफ एनी कंपनी यू मस्ट नो अबाउट ऑल दिस सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट। वो बात और है, हमारे सीए इंटरलॉ में केवल 150 सेक्शन के आसपास दिए हुए हैं। बट एवरी कंपनी, अगर मैं कोई कंपनी रन कर रहा हूं, रतन टाटा जी कोई कंपनी रन कर रहे हैं, अनिल अंबानी कोई कर रहे हैं, मुकेश अंबानी कोई कर रहे हैं, अगर आपके विवेक अडानी कुछ कर रहे होंगे, सभी को द कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, चाहे कंपनी बड़ी हो चाहे छोटी हो। आपको समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इसीलिए सारी जो कंपनीज बड़ा, और थर्ड वाला नाम बताना मैं, ये देख लीजिएगा। आप बताएंगे थर्ड, आप सभी जानते हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आप देख सकते हैं यहां पे उनका वैल्यूएशन देख सकते हैं, एचडीएफसी 12 लाख करोड़, आईसीआईसीआई बैंक 6 लाख करोड़। एचयूएल के बारे में सुना है? क्या करती है एचयूएल? अरे वही लक्स लाइफ बॉय, धोते रहो सुना होगा ना कभी? अरे लाइफ बॉय, लक्स, सर्फ एक्सेल और डव, फेर एंड हैंडसम, मर्दों वाली क्रीम सुना होगा भी? ये वही है एचयूएल। उसके बाद में आपने इंफोसिस तो सुना ही होगा, व्हाट दे मेक, क्या बनाती है कंपनी? सॉफ्टवेयर बनाती है ये। इसके बाद में आईटीसी, ये तो सबको जानते हो सर, क्या बनाती है? ये वही बनाती है जो आप सोच रहे हो। कितने लोग जानते हैं आईटीसी क्या बनाती है? बताओ आईटीसी इज मेंट फॉर हुम? आईटीसी किसके लिए बना हुआ खास? ए क्लासमेट। इतना शरीफ मत बन, क्लासमेट के लिए बने हैं वो। क्लासमेट तो उसका छोटा सा प्रोडक्ट है, वो मेनली किसके लिए बना है? भारत देश में 80% जो सिगरेट चलती है वो इन्हीं की चलती है। मैम आप सुनिए, 80% जो सिगरेट चलती है वो इन्हीं की चलती है। आपने कभी मॉलबोरो गोल्ड फ्लेक्स सुना होगा? सुना होगा सर, जेब में लेके चलता हूं मैं। ओके गाइस, आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय एयरटेल, सुनील मित्तल के बारे में सुना होगा? अरे एयरटेल, बजाज फाइनेंस, राहुल बजाज के बारे में सुना होगा? पता है कभी कभी बच्चे बाप से बड़े हो जाते। बजाज ने अपनी कंपनी बुलाया था ऑटो से, किससे लाया? और ऑटो का नामो निशान नहीं, बजाज फाइनेंस का नाम ऊपर आ गए। इन्होंने चालू किया माइक्रो फाइनेंस, 2000 की जींस लेना है मैं आपको फिनांस कर देता हूं,
पांच आज देखते हो ना मोबाइल लेने गए, यहाँ पे ईएमआई मिलेगा, माइक्रो फाइनेंस, 2000 की जीन्स लेना है, 5000 का मोबाइल लेना है, 10000 का टीवी लेना है, बजाज आपको बोलेगा मैं फाइनेंस करता हूँ। ऐसे करते करते कंपनी का नाम इतना बड़ा हो गया, बजाज का जो बजाज पल्सर का सुना होगा ना, तो इन्होंने पैसे कमाए बाइक्स बेच के, कमाए बनाए ये बजाज फाइनेंस सबसे बड़ा, और वो ऑटो की वैल्यूएशन मैम यहाँ पे लिखो, बजाज ऑटो मार्केट कैप, बजाज ऑटो जो उसका पापा कंपनी है उसकी वैल्यूएशन बहुत कम है, बजाज फिनसर्व की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। क्यों? सोचो ये कंपनी से क्या जलवा है, आपको पता होना चाहिए ऐसे हम लोग क्या क्या कंपनीज बना सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। देखो लोग कंपनीज बना के कितना ज्यादा मार्केट वैल्यूएशन प्राप्त करते हैं। बजाज फाइनेंस मार्केट कैप देख लेना, थोड़ा सा ऊपर ले लो मैम, ये है इनकी कंपनी वैल्यूएशन 4 लाख करोड़, और थोड़ा सा ऊपर जाना और बजाज ऑटो भी, हाँ ऑटो भी बता दीजिएगा, ऊपर लीजिए देखो जरा 1.3 लाख करोड़, यानी कि बाप की वैल्यूएशन सिर्फ 1 लाख करोड़ के आसपास और बेटे की वैल्यूएशन 4 लाख करोड़ के आसपास। क्या मैम ये जो बाप बेटा जो मैंने बोला उसको थोड़ा सा कंपनी जाके इसमें भाषा में लिखते क्या है, इसको बाप मतलब क्या बेटा मतलब क्या, कोई अच्छा वर्ड है इसमें? बाप अगर होल्डिंग है तो बेटा कौन? तो बेटा जो है सब्सिडियरी कंपनी है, और सब्सिडियरी में दो होते हैं, एक होली ओन्ड एक कुछ तो भी होता है, राइट? एक होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी होता है और एक नॉर्मल सब्सिडियरी कंपनी है, उसी को बोलते हैं बेटा कंपनी। ओके, और बेटा पूरा सर बेटा नहीं एक्चुअली बेटी है नहीं क्योंकि एक्चुअली एक होल्डिंग कंपनी की अगर दो सब्सिडियरी कंपनीज है ना उनको हम लोग सिस्टर कंसर्न्स कहते हैं, उस हिसाब से उस लॉजिक के हिसाब से वो बेटी है, छोड़ो इसका माँ वाला अवतार बाहर आ गया आपने देखा। पर उसमें भी होता है कि 100% होली ओन्ड होता है, आपको पता है नहीं बताए, और एक होता है मैम अच्छा देखते कि नॉलेज सर, हाँ ठीक है, सब्सिडियरी बनने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए? एक बोला 51, एक बोला मोर देन 50, विजय बैठे, एक बोला 75 से ज्यादा, एक बोल रहा है 100%। एक बार लाइव स्ट्रीमिंग वालों से भी पूछ लेते हैं, आप लोग सभी बताएं सर कुछ नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है भाई, इसको बता दे नहीं नहीं ये जो स्क्रीन है ना ये शो करो ना, कौन सी स्क्रीन? नहीं अभी अभी ये दिख रहा है ना, तो दे आर नॉट एबल टू वॉच द स्क्रीन इस कैमरा के वजह से, देखो ऐसा दिख रहा है ना, हाँ ओके okay. आप मुझे बताए, अच्छा मोर देन 50 लिखा मैम, आप सही जवाब देंगे, मोर देन 50, 51%, मोर देन 50% ऑफ वोटिंग पावर ऑफ, ओके यहाँ पे काफी लोग जवाब 20% और मोर, बेटा विधि गोयल बेटा दैट इज एसोसिएटेड कंपनी, एक मिनट अभी बात ही कर लेते अपन होता आप में से कोई 20% से ज्यादा वाला है, ठीक है एक मिनट विधि मेरे बच्चा कहाँ गए वो कमेंट में ऊपर चले गए, और एक बंदा है साक्षी, साक्षी आर्य 49%, एक मिनट अभी ये अलग जवाब कहां से प्राप्त हो रहा है निशांत मंगनानी 20%, रितिका एक मिनट, जो 20% बोल रहे हैं आपको मतलब 20% से कोई अपना सब्सिडी बन जाएगा? बेटा किसी भी कंपनी में अपना 50% से ज्यादा जब तक ना हो वो अपना सब्सिडी बनता ही नहीं, इसलिए ऐसे बच्चे बनाने के लिए अगर हम लोग बजाज फिनसर्व की बात कर रहे हैं, ये जो भी होता है ना इसको सब्सिडी बनाए या उसको एसोसिएट बनाए, इसको होली ओन बनाए। देखो एक होता है बिजनेस चलाना, एक होता है कंपनीज एक्ट, आपको बिजनेस बढ़ाते समय कंपनीज एक्ट को साथ में लेके बढ़ाना पड़ता है। हाल ही में बताओ सबसे बड़ा डी मर्जर कौन सा हुआ, क्या हाथ ऊपर करेंगे आप मुझे बताओ, हाल ही में देश में सबसे बड़ा डी मर्जर, पहले तो मर्जर बताएं HDFC का और उसका डी मर्जर कौन सा हुआ हाल ही में? बेटा आप खड़े हो जाएंगे इधर, माइक देना अमर, अमर अमर थोड़ा सा क्विक हो जा, बहुत स्लो हो गया तो माइक किधर है बेटा? ए बालाजी क्या कर रहे हो तुम माइक के साथ हवला <गे था? laughs> मैं फिर भी तुमको चाहूंगा वो प्रसाद आता किधर है आजकल बालाजी, तू लाया क्या वो बालाजी के लड्डू आते ना कुछ वो मंगवा ले सबके लिए? बेटा तुम शिरडी से कुछ मिलता है क्या बाबा का? देते हो ना बाबा को, तुम लेके आओ जरा, हाँ जी अरे उधर उधर ए खड़ी सा कर कैसा है आमचा कड़े खड़ी सा कर मिलते हावला है। हाँ बेटा रिलायंस और जियो फाइनेंस के बीच में, रिलायंस एंड जियो फाइनेंस के बीच में हुआ डीमर्जर, क्या आप लोग इस बात को मानते हैं एवरीवन? ये हाल ही में हुआ डीमर्जर है,
रिलायंस में से जियो फिनांस को अलग निकाल दिया गया। उसमें से ऐसा ये बताया गया कि जो लोग ऑलरेडी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयर्स रख रहे हैं अपने पास में, उन सबको दे दिया जाएगा। क्या क्या दे दिया जाएगा? उनको सबको जियो फिनांस के शेयर्स को दिया जाएगा। कंपनी डीमर्ज हो गई, उस कंपनी को अब अलग बना दिया गया। उसको कहते हैं यानी कि बापा ने कहा बेटा अब तुम अपना घर बसा लो, अब तुम बड़े हो गए, अब तुम्हारा घर, तुम्हारा संसार अलग, तुम अपनी जिंदगी खुद चलाओगे। उसको डीमर्ज कहते हैं। पता है ये सारे एग्जांपल हम लोग क्यों देख रहे हैं? मर्जर डीमर्जर देश में क्या चल रहा है? कंपनीज एक्ट और कंपनीज अलग नहीं है। आपको अगर कंपनीज एक्ट पढ़ना है तो पता होना चाहिए कंपनीज एक्ट बना किन कंपनीज के लिए है। आज हम लोग यहां समझ रहे हैं कि कंपनीज एक्ट जो मैम आपको जो पढ़ा रही, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये कोई टाइम पास नहीं है। द कंपनीज एक्ट आपके सिलेबस का 60 मार्क्स का पोर्शन वेटेज रखता है। आपको पता तो होना चाहिए बनता किसके लिए है, इसके ग्राहक कौन है। ये इनके ग्राहक है ये सारे लोग। ये जरा आप में से इसमें देखना कौन सी कंपनी आप जानते हो, जरा हाथ जरा बताना क्या क्या जानते हैं आप। L&T को जानते हो, कोटक महिंद्रा, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी, अडानी इंटरप्राइज, सन फार्मा जानते हो क्या है? क्या है सन फार्मा? फार्मा कंपनी दवाइयां बेचती हैं। टाइटन तो आप जानते ही होंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का सीमेंट। ना 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 ना, आपने सुना होगा अल्ट्राटेक के बारे में? अभी ये बता देना कौन है। अवेन्यू सुपरमार्ट कौन है? कितने लोग जानते हैं अभी अवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में? आप जानते हैं बेटा कौन है? अरे वाह वेरी गुड। क्या नाम है जी आपका? चेतन। कहां से आए? चेतन फ्रॉम जलगांव हमारे बीच में बैठे हैं और जो कह रहे हैं कि जो कंपनी दिस इज फ्रॉम व्हाट, ये कंपनी का नाम है डीमार्ट, और डीमार्ट के ओनर का नाम बता दीजिए साहब। राधा कृष्ण दमानी। ये राधा कृष्ण दमानी। दोस्तों ये सारे लोग जो है ना वो भी कंपनी को फॉलो करेंगे ही करेंगे। डीमार्ट तो आप सभी जानते हैं, आप लोग तो डीमार्ट जॉब कराए होंगे। विप्रो, नेस्ले, सर ये सारी कंपनीज के बारे में आपने जो बताया, ये सारी अगर कंपनी इतनी बड़ी होकर भी कंपनी जैक को फॉलो कर रही है तो हम कौन है वे? देश में 15 लाख से ज्यादा कंपनी जो है ना ये कंपनी जैक को फॉलो करती है और एवरीबडी इज रिक्वायर्ड टू फॉलो एवरी सेक्शन ऑफ इट। यस मैम प्लीज आगे। बस मेरे को ये बताना था कि ये बच्चों को मैं वाकिफ कराऊं कि ये सेक्शंस का इंपॉर्टेंस, अगर इतने बड़े लोग, हम लोग कौन है, सीए इंटरमीडिएट भी पढ़ रहे हैं अभी तक, सोचो ये सेक्शंस के ऊपर ये बड़े बड़े लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में तक इसके बारे में कंसिडरेशन करते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं, पूरा कंपनी इसके ऊपर से चलाते हैं। यानी कि कल्चर के आप जब सीए बनोगे और जब किसको एडवाइस करोगे तो आपके पास में ऐसा नहीं होना चाहिए यू डू नॉट हैव द नॉलेज ऑफ कंपनीज एक्ट, बिकॉज ये जब आपसे सवाल पूछेंगे इनके बीच में आप जब बैठोगे तो आपको कंपनीज एक्ट का नॉलेज होना जरूरी होता है। बिकॉज ऐसे कंपनी में हो सकता है आप फाइनेंस मैनेजर बन जाए, ऐसे कंपनी के आप सीएफओ बन जाए, तो यू शुड हैव इनफ नॉलेज अबाउट दिस सेक्शंस आल्सो। एवरीबॉडी, अरे बोलो भाई। ओके आगे बढ़ेंगे। इस समय जितने भी लोग देख रहे हैं, 864 लोग हमें इस समय देख रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग पर, आप सभी का भी फिर से एक बार स्वागत है। और सर मैं आपको बता रहा हूं ये जो पढ़ने का अप्रोच हम लोग क्लास में लेकर आते हैं इट विल बी कंप्लीटली प्रैक्टिकल। आपको हमेशा फील होगा मैं जो पढ़ रहा हूं ना मतलब कहीं रियल लाइफ में चल रहा है। सेक्शन पढ़ाना देखो अलग बात होती, सेक्शन पढ़ा के जल्दी से कोर्स खत्म करना वो इंटेंशन है, मैं आपको सबको सक्सेसफुल देखना चाहता हूं। बिकॉज मैं खुद इस बात को बिलीव करता हूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बनना है ना वो तो देश में सब लोग बन जाएंगे, पर कामयाब चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत कम बनेंगे, और मैं कामयाबी वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट देखना चाहता हूं। आप अगर क्लास में चाहे ये क्लास कर रहे होंगे चाहे इंटर की कोई भी क्लास करेंगे, सपने आपके बड़े होना चाहिए, विजन आपका बड़ा होना चाहिए कि मैं ये सीए कर रहा हूं ना मैं बहुत कुछ बड़ा करने आया हूं इसलिए मैं सीए का कोर्स कर रहा हूं। ओके ये दिमाग में डाली, इसलिए हर कोई सब्जेक्ट चाहे आज कोई भी सब्जेक्ट चलेगा, इसके बाद में टैक्स चलेगा, आपका कॉस्टिंग चलेगा, अकाउंट चलेगा, हर समय एक सोचना चाहिए कि मैं बहुत बड़ी कंपनी का बहुत बड़ा इंसान बनने जा रहा हूं। अभी हाल ही में कल के न्यूज़पेपर में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की सैलरी कितनी होना चाहिए एक साल की? मैं कल का न्यूज़पेपर बताऊंगा, बताओ 5 करोड़ से कम या ज्यादा? जल्दी बताओ, टाइम नहीं मेरे पास में। मैं आपको बता रहा हूं आप कहां पे पहुंच सकते हो आने वाले 10 साल में, और अगर वापस पहुंचना तो आपको वैसे पढ़ना पड़ेगा जैसे हम लोग कह रहे हैं। अगर किताबी कीड़े बन के रह जाओ तो कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल आउट करना पड़ेगी। ऐसे भी सीए जो 10 लाख कमा रहे, कल का न्यूज़पेपर में आता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो देश का सबसे ज्यादा सैलरी विड्रॉ कर रहा है एंड इज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। कितना करो, 5 करोड़ से कम या ज्यादा? 10 करोड़, 20 करोड़?
He is getting the salary of more than 50 crore, 78 crore ka salary per year ka mil raha hai. Naam hai uska, ma'am likho, Abhay Bhutada. Is Abhay from Pune, aur aap Pune mein company hai jiska naam hai Serum Institute. Aur unki company hai jinka naam hai unka ek finance wala company. Are jo apna vaccine banane wali company hai, Serum. Serum. To unka ek Pune wala finance bolke company hai. Abhay Bhutada ye salary dekho. Salary dal do abhi kal ke newspaper mein. Salary of, or he is very close friend, he is my batchmate. We have studied together, 78 crore ka salary, Pune mein rehta hai banda. Aur Bharat ka sabse jyada, Ankita, India mein jitne bhi chartered accountant hai, jo job kar rahe hai, job, unme sabse bada job ka package isko diya gaya. Bharat desh mein, pure Bharat mein, aur his age is not even more than 37 years. और मैं आपको बता रहा हूं 78 करोड़ का सैलरी मिल रहा है बॉस किसको बोलते हैं इन द स्पैन ऑफ 10 इयर्स 10 साल बाद इमेजिन करो आपको ये मिलने वाला है आप इसीलिए सीए कर रहे हो भाई आप भूले भटकों की तरह मत करो यहां पे आके आप सही कोर्स में हो सही लोगों के साथ में हो अच्छे संस्कार वाले लोग आपके साथ बैठे आप कुछ भी गलत काम नहीं कर रहे हो फील प्राउड अबाउट इट और आपको पहुंचना ही है ये आपकी मंजिल है और ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है ये अभी का मैटर है भाई ये दो दिन पुरानी न्यूज है देखो ये देखिए लातूरचा सुपुत्रा सा पगार 78 करोड़ रुपए उसके पापा किराना शॉप चलाते हैं घर में कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कितने लोग घर पे कोई सीए नहीं है आप अपने सपने सजा सकते हो आपके सामने एग्जाम्पल है घर पे छोटी सी किराना शॉप है पापा को चार्टर्ड अकाउंटेंट का कुछ पता भी नहीं है कोई लातूर से बिलोंग करता है यहां पर यह आपके शहर का है और मैं आपको बता रहा हूं यही तो हमें चाहिए दिस इज व्हाट वी वांट इन योर आईज ये विजन आप लेके चल रहे हो कि मुझे कुछ आगे जाना है मैम ये बताने का इतना ही मकसद है क्योंकि क्लास का फर्स्ट डे ना ये कावरे बावरे जैसा मत करो आपको पता होना चाहिए कि मैं डे वन से आई एम वेरी मच मोटिवेटेड मुझे पता है मुझे कहां जाना है आई वॉन्ट टू अर्न दिस और इस टाइप का मोटिवेशन हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि हर लेक्चर में आपको बच्चों को ना किसी पढ़ाना इंपॉर्टेंट है बीच बीच में मोटिवेशन देना जरूरी कि उसको पता होना चाहिए कि वो कर क्या रहा है उसको करना क्या व्हाट इज एक्सपेक्टेड वो मोटिवेशन वो टेम्पो आपका वरना तो पढ़ाई तो बहुत लोग करते हैं यार पर अटेम्प्ट्स लग जाते हैं क्यों पता है बीच बीच में लोग लो हो जाते हैं लो ऑन टेम्पो हो जाते हैं बिल्कुल डिस्क मैम ऐसा मानती हो yes. बीच बीच में डिस्करेज हो जाते हैं इसलिए हमें ऐसे सारे लोगों के बारे में बताना है कि जो आपको और ऐसा हम लोग कुछ मुमकिन कर सकते हैं भाई अपने पूना का बंदा आई है पूना में पढ़ाई की इसने और सी वॉट ही हैज डन सो दिस इज वॉट वी वॉन्ट अब हम ये नहीं बोल रहे कि आप जॉब कर लो आप कुछ भी अपना धंधा कर सकते हो बट आपके विचार होना चाहिए कि मैं कुछ बड़ा आदमी मुझे बिग शॉट बनना है और इसलिए आप सीए कोर्स में हो अगर काम छोटा ही करना होता तो बीकॉम ही कर लेता मैं मुझे बड़ा करना है मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है इसलिए मैं सीए कोर्स में हूं तो मैं आपको बता रहा हूं सो ये वैसे इसका नाम क्यों बताया ये देश के इस समय फाइनेंशियल ईयर 23 के सबसे ज्यादा सैलरी विड्रॉ करने वाले एक्सक्लूसिव एक ही इंसान है और वो भी सबसे बड़ी बात वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है समझ आ रहा है तो यानी कि क्या हो देश के अंदर जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स यंग क्या बोलते हैं जॉब करने वाले जो लोग हैं उनमें ही इज गेटिंग द मैक्सिमम और सबसे बड़ी बात क्या हमारे फैटर्निटी का बंदा है मतलब कोई भी इंजीनियर्स कोई भी किसी को भी नहीं मिल रहा है उतना पैकेज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिल रहा है आप समझे मैं क्या वापस से कह रहा हूं मतलब ये सीए के अंदर हाइएस्ट नहीं है सारे कोर्सेस का मिला के हाइएस्ट है मतलब कोई इंजीनियरिंग करके जॉब कर रहा हो उसमें भी हाइएस्ट है कोई एमबीए आईएम से एमबीए करा होगा उसमें भी हाईएस्ट है तो आप जो कोर्स में हो ना इसकी औकात बहुत है सर आपकी बैच में क्या सबको इतना सैलरी मिलता है क्या जी नहीं मिलता मेरे बैच में कुछ लोग ऐसे भी जिनका सैलरी अभी तक 50 लाख भी नहीं है मतलब सोचिए बैच में एक बेंच पे जो बैठा एक बेंच पे 6 लोग बैठे एक की सैलरी 50 लाख एक की सैलरी 78 करोड़ और दोनों ने साथ में सीए किया दोनों भी सीए ही है क्यों फर्क पड़ा इतना आप सोचिए आपके बाजू वाला जो बेटा है आपके बाजू वाला जो बेटा है उसको मिलेगा 50 करोड़ आपको मिलेगा 10 लाख दोनों भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है इसका मतलब क्या दोनों का नॉलेज दोनों ने एक ने पढ़ा क्या एक ने पढ़ा क्यों एक ने पढ़ा व्हाट एक ने पढ़ा व्हाई और वही लोग इस क्लास में बैठना जिनको व्हाई की तलाश है जिनको बड़ा आदमी बनना है मैं आपको बता रहा हूं स्ट्रेट अवे मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं इस क्लास में बैठेंगे तो मुझे उन्हीं लोगों को पढ़ाना मुझे बहुत पसंद है जिसमें कुछ तो बनने की जुनून जिज्ञासा है कि मुझे फोड़ देना है और जितने भी लोगों को फोड़ देना है वो सब लोग क्लास में बैठे और जिनको सिर्फ ऐसा साधारण सीए बनाना है मैं सीए बन जाऊं 5 लाख की नौकरी करूं इस क्लास में आपकी जगह ही नहीं है वो तो ऐसे ही बन जाओगे आप यार यहां पे मुझे चाहिए
आग ची आग, कुछ बन के दिखाने की, साला फोड़ देंगे इस अटेम में उस तरह से। और पढ़ते समय सी ए इज नॉट अबाउट यू नो गेटिंग द डिग्री, सी ए के साथ साथ में नॉलेज चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, शेयर मार्केट में क्या चल रहा है, फिनांस में क्या चल रहा है, आजकल क्या चल रहा है, इकोनॉमिक टाइम्स में क्या चल रहा है। इस टाइप का नॉलेज जब आ जाएगा ना, हम लोग फोड़ देंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत लोग बनते हैं, सबको इक्वल सैलरी नहीं मिलती, ये दिमाग में अभी रखना। ओके मैम प्लीज, एक बार जोरदार तालियां स्वप्निल सर के लिए यार। आई थिंक ये मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी था, स्पेशली ऑन डे वन। वो आपने कर दिखाया इनकी आंखों से, मुझे समझ में आ रहा है अब बस। यस ठीक है। आप लोगों की नोटबुक्स है क्या आप लोगों के पास? एक बार हम लोग सिर्फ ये कोर्स के बारे में लिख ले क्या था कि कल जब हम आए वी कैन स्टार्ट अवे, वी कैन स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द प्रोविजंस। आपका नाम लिखो, सब्जेक्ट का नाम लिखो और फिर अच्छा इंडेक्स में आपने लिख लिया आपका नाम सब्जेक्ट का नाम। ओके पेज वन पे आ जाइए जल्दी से, समय बहुत कम है हमारे पास, फटाफट लिखो। ये लिखवाना जरूरी है क्योंकि ये न्यू कोर्स है ना, दिस इज द फर्स्ट बैच ऑफ द न्यू कोर्स, तो आपको भी पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या सारी बातें, क्योंकि आज तक के जो आपके सीनियर्स है उनकी जर्नी काफी अलग है आपके कंपेरिजन में। तो That is why आप लिखिए जल्दी से, इस पूरे चार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करिए, मोबाइल बंद करो, दो पार्ट में डिवाइड करो, एक है कॉर्पोरेट लॉ, तीन पार्ट में, हाँ तीन पार्ट, तीन पार्ट में डिवाइड करें, कॉर्पोरेट लॉ, अदर लॉस और तीसरा है एलएलपी एक्ट। जल्दी से हमारे पास एक मिनट का टाइम है बस। कॉर्पोरेट लॉ में लगभग 148 सेक्शंस और साथ में जो मैं पढ़ाने वाला हूं, उससे भी ज्यादा है क्योंकि ये मैं पढ़ा हुआ ना कुछ सेक्शंस। ओके फॉरेन कंपनीज भी अभी आ गए, ये 14-15 सेक्शंस है जो मैं पढ़ाऊंगा, और कंपनीज एक्ट में भी तीन चैप्टर तो मैं पढ़ा ही लूंगा जी। एक डिविडेंड है, चैप्टर 8 9 10 एंड 11, ये सब मेरे चैप्टर्स है। ठीक है, थैंक यू मैम, आप इतना करती हो मेरे लिए, वो मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा। मैम आप सारे लेक्चर्स YouTube पे डाल दोगे बेटा, आप समझो अगर सारे लोग YouTube पे डाल देंगे तो जो थोड़े बहुत हम लोग खर्च करते हैं वो कहाँ से आएंगे। I have purchased the pen drive, I'm very excited. बेटा we all are excited. जो लोग विजय बैच से यहाँ पे ज्वाइन किए, एक दो दिन आपको हो सकता है ऐसा लगे कि हम लोग कुछ चीज़ें रिवाइज कर रहे हैं, पर बाकी तो यू विल बी फाइन विद इट। ओके दो दिन में आप ऐसा कुछ चालू कर देंगे, ये फुल फ्लेज्ड बैच है अभी तो। डन, जल्दी जल्दी लिखो। विजय बैच के लिए दो दिन वापस से ये रिवीजन वाला हो जाएगा। हाँ बेटा सबके लिए लिखना है, ये लेक्चर सभी के लिए एप्लीकेबल है, एक रिदम में लाना सबको जरूरी है, इसलिए इसी फीस में क्या स्वप्निल सर भी पढ़ाएंगे? हाँ बेटा मैं भी पढ़ाऊंगा। बेटा ये टू टीचर एडवांटेज है, मेरे लिए अलग से फीस क्यों देगा? एक पे एक फ्री मिलेगा, बाय वन गेट वन। कैसी बात कर रहे हैं स्वप्निल सर भी। ओके गाइस आई होप इट्स डन यार, ये लिखा आपने। ओके मैम थोड़ा सा मार्क्स बता देंगे, किसको कितने मार्क्स है? अभी तक इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर क्लैरिटी तो नहीं दी है, बट जनरली अभी तक जो हुआ है कॉर्पोरेट लॉ इज यूजुअली फॉर 60 मार्क्स और बाकी अप्रॉक्स लिख दीजिए, अप्रॉक्स और बाकी सब मिला के 40 मार्क्स। उसका कोई डिवीजन अभी तक आईसीएन ने उसका कोई खुलासा नहीं है, जैसे ही खुलासा आ जाएगा हम आपको क्लास में बता देंगे। ठीक है
ये लेक्चर एसपीसी प्राइम पर भी चल रहा है, आप दोनों जगह से देख सकते हो, पर एट द सेम टाइम ये यूट्यूब पर भी चले गए। ओके गाइस, अभी मैम प्लीज मैम थोड़ा सा एक बार बुक्स के बारे में एक मिनट के लिए बता दीजिए, ज्यादा वक्त नहीं है। एक ही मिनट में मैं बता देती हूँ, ज्यादा समय बच्चों को बता होना चाहिए कि कौन सी बुक्स उनको मिलेगी जब इस कोर्स के अंदर जब वो है। क्या मैम आपने May 24 के हिसाब से सारी बुक्स को अमेंड कर दिया? राइट, वेरी गुड मैम। एक मिनट में सब कुछ बता देती हूँ आपको। ये ऐसा एक बॉक्स मिलता है और जिस बॉक्स के अंदर सारी किताबें मिलती हैं, ऐसा एक बॉक्स आएगा। मैम टोटल कितनी किताबें देने का प्लान है? 5 किताबें। आप बोलते चलिए जी। तो ये तीनों किताबें जो है, दीज आर द मेन बुक्स, जिसमें से Volume 1 ए और 1B जो है ये कंपनीज एक्ट की है, जिसमें आपके 11 चैप्टर्स रहेंगे। और ये जो है ये अदर लॉज है, जिसमें LLP, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जनरल क्लॉजेज एक्ट और फेमा है। तो ऐसे करके हमारी 3 किताबें रहेगी जो हमारी मेन बुक्स रहेगी। अगर आप मेन बुक्स को भी देखते हो, ऑल दीज आर कलर्ड बुक्स। कलर भी आप लोग जानते हो कि ऐसा नहीं है चलो ब्लू इज माई फेवरेट कलर, रेड इज लकी फॉर मी। सो देर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट। ऑल द ब्लू वर्ड्स आर द की वर्ड्स। तो आप लोग जानते हो लॉ में बहुत बार आपको की वर्ड्स को याद करके सेंटेंस फ्रेम करना होता है। तो एग्जामिनेशन के एक दिन पहले आपने ये की वर्ड्स को भी याद रख लिया तो अपने हिसाब से आप सेंटेंस फ्रेम करके लिख सकते हो, है ना। रेड में और हाईलाइट्स में जो भी सारे वर्ड्स है दोज आर द अमेंडमेंट्स। तो मई 2024 के हिसाब से ये मॉड्यूल स्पेशली बनाई गई है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट अमेंडमेंट्स। सारे अमेंडमेंट्स कवर किए गए हैं, तो क्लास के बाद आपको सेपरेटली अमेंडमेंट का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। फिर आप लोग जानते हो ये बहुत ही प्यारी क्वेश्चन बैंक हमने बनाई है, सबसे मोटी किताब यही है। क्या मैम इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन कवर्ड है? यस, आरटीपी के, पास्ट एग्जामिनेशन के, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी सारे कवर्ड है। मतलब ये आप पहले उससे पढ़ाओगे? यस। और उसके बाद में बहुत सारा रिवीजन कराओगे? बहुत सारा रिवीजन कराओगे और रिवीजन के बाद क्वेश्चंस करेंगे। और बहुत सारा रिवीजन कराओगे? बहुत सारा रिवीजन कराओगे। इतने बार क्यों बोला बता? इसको बोलते हैं क्यूम्युलेटिव रिवीजन। यहां पे आप क्लास में आओ, यू मस्ट हैव सो मेनी ऑफ यू मस्ट हैव लर्नड फ्रॉम मैम, चाहे वो मैम पढ़ा रही चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ। लॉ को हम ऐसा पढ़ाएंगे, विल मेक श्योर एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द क्लास इटसेल्फ, यू वॉन्ट नीड टू स्टडी मच एट होम। आपको ना किसे पढ़ाएंगे फिर रिवाइज कराएंगे, और रिवाइज करते समय आपको एक प्यारी सी चार्ट बुक देते हैं। मैम ये लगभग ये पन्ने होंगे कम से कम 600 से आसपास पन्ने होंगे, और 600 पेज को हमने समेट लिया है केवल 70-80 पेज पन्नों में। यानी कि क्लास के साथ साथ में आपकी जो समरी नोट बनाने का जो टेंशन है वो आपका नहीं होगा, हम क्लास में ही अपने हाथों से आपको समरी नोट बना के दे दिए। इसमें वो सारे चुनिंदा शब्द है जिसको लिखने से और जिसको पढ़ने से आपको पूरा कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाएगा। बिकॉज आप जानते हो कॉन्सेप्ट में जब हम लोग पढ़ते हैं तो विस्तार में पढ़ेंगे क्लास में डिटेल में, पर रिवाइज करते समय इट इज नॉट मुमकिन टू रिवाइज यू नो एवरीथिंग अगेन क्लास के होने के बाद एग्जामिनेशन के पहले दिन। तो आपको ऐसी प्यारी सी चार्ट बुक बनाते हैं, और ये इतनी ज्यादा पॉपुलर चार्ट बुक है, और हम इस चार्ट बुक को आपको देते हैं ताकि आप इससे बहुत जल्दी से सिलेबस को बहुत बार रिवाइज कर सको। और वी ऑलवेज बिलीव कि लॉ सब्जेक्ट नीड्स लॉट्स ऑफ रिवीजन, बिकॉज लॉ हम लोग भूलते चलते हैं, तो रिवीजन करना हो जाएगा बहुत आसान। अब लॉ कम से कम हम लोग क्लास के साथ 5-6 बार तो रिवाइज करेंगे, और क्लास के बाद में आराम से 4-5 बार करेंगे, यानी कि हमारा एग्जामिनेशन लाने के लिए बहुत आराम से किताब आपको काम में आएगी। बिकॉज ये किताब के साथ साथ में हमने अपने यूट्यूब पर रिविजन लेक्चर भी मैम करवाती है, क्लास के बाद में हम दोनों मिलकर आपका पूरा लॉ रिवाइज करते हैं, जिसके अंदर 10-12 घंटे में आपका ये किताब के साथ में आप जब यूट्यूब का रिविजन लेक्चर देखोगे तो यू कैन रिवाइज दिस लॉ। जैसे हम लोग लॉ जब पढ़ेंगे तो लगभग हम लोग पढ़ेंगे क्लास के अंदर तकरीबन 150-200 घंटे के आसपास, 175 आवर्स। पर 175 आवर्स को वापस से एक बार देना मुमकिन नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं 12-15 घंटे का यूट्यूब पे एक लेक्चर डालते हैं ताकि आप लोग पूरा सिलेबस आराम से रिवाइज कर सको बाई जस्ट स्पेंडिंग 10-15 आवर्स। उसमें ये नोट्स आपके लिए बहुत काम में आती है। मैम यू आर सेइंग समथिंग अबाउट क्वेश्चन बैंक। हाँ। तो रिवाइज करने के बाद में ये होता है कि मैम क्या कराती है कि इस क्वेश्चन बैंक से आपको पूरी तरह से बार बार क्लास में, क्योंकि देखो एक होता है कंसेप्ट पर एक पता भी होना चाहिए कि एग्जामिनेशन में कैसा पूछा जाता है। एवरीबॉडी गेटिंग दिस पॉइंट? तो यहां पे इसलिए क्वेश्चन बैंक भी किया जाता है क्लास ही के अंदर। क्या मैम क्लास में ही खत्म हो जाएगा क्वेश्चन बैंक? जी हाँ, कुछ बोल रहे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन बैंक के बारे में तो बता ही दिया। और अगर आप क्वेश्चन बैंक को देखोगे, हर चैप्टर के पहले हमने क्या किया है, एक स्टेटिस्टिकल एनालिसिस किया है कि इस चैप्टर से रिलेटेड कितने मार्क्स के क्वेश्चन पिछले 10 अटेम्प्ट में ICAI ने पूछे है। अलोंग विद दैट उसी के नीचे उसका QR कोड है। तो बहुत बार क्या होता है, कुछ चीजें भूल जाते हो, कुछ आधा अधूरा याद रहता है, कभी कोई टॉपिक स्किप हो जाता है, तो घर पे जब जाके आप पढ़ोगे ये QR कोड को अगर आप स्कैन कर लेते हो तो डिटेल रिविजन लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो ऐसा लगेगा क्लास हमने अभी की है
और तुरंत ताजा ताजा हमने पढ़ाई की हुई है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में भी काफी आसानी होती है। जैसे एक एक चैप्टर कंप्लीट होगा, हम लोग हमारी हैंड रिटन समरी नोट्स जो है वो शेयर करने वाले हैं। तो मैंने आपको कहा था ना, वी विल रिक्वायर एटलीस्ट 200 पेजेस की नोटबुक। तो क्या होगा, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देखो, एक बार लिखना इज इक्वल टू 7 times रीड करना, तो लिखना भी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो, ऐसी कुछ हैंड रिटन समरी नोट्स दी जाएगी जिसमें आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। तो ये जैसे चैप्टर नंबर 3 की हैंड रिटन समरी नोट्स है, जितना आप लिखोगे, देखो सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ के मार्क्स नहीं मिलने वाले, सिर्फ 30 marks MCQs है जिसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चेक होगा। 70 marks तो डिस्क्रिप्टिव है, तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो है उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ लर्निंग और प्रेजेंटिंग भी इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए क्लास के साथ साथ 3 to 5 tests भी हो गए जिसमें आपको समझ में आ जाएगा वेयर यू आर लैकिंग बिहाइंड। अलॉन्ग विद दैट, दी समरी नोट्स विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर द राइटिंग प्रैक्टिस। तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा, जैसे कि सपोज ये सेक्शन है, चलो सेक्शन नंबर 39, इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने अगर सवाल पूछा है तो आप लोग जानते हो आपका आंसर आपको एक पैटर्न में लिखना होता है। आप लिखते हो रेफरेंस, फिर एनालिसिस और फिर कंक्लूजन। तो ये सेक्शन 39 का अगर सवाल है, इसके रेफरेंस में लिखना क्या है, आपको ये समरी नोट से समझ में आ जाएगा। सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आंसर्स को एग्जामिनेशन में हमने प्रेजेंट कैसे करना है। और क्वेश्चन बैंक में जो मैंने आंसर्स दिए, इट इज अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ ICAI। इंस्टीट्यूट जैसे एक्सपेक्ट करता है कि लॉ में आंसर्स आपको कैसे देना है, उसी के हिसाब से हमने आंसर्स यहाँ पे दिए हुए। सो यू विल हैव अ टोटल आइडिया कि कैसे एग्जामिनेशन में जो सवाल पूछा गया है उसका आंसर हमें। मैं स्टूडेंट को, मेरा एक डाउट है जी, क्या आपने सभी 5 किताबें दी, उसके व्यतिरिक्त भी कोई और किताब को छूने की जरूरत है या इतना ही काफी? नहीं, तो ये सारा कंटेंट जो है ये तीनों मॉड्यूल का, इट इज अकॉर्डिंग टू May 24 न्यू स्कीम ICAI का मटेरियल दैट हैज बीन इशूड। तो आपको कोई भी दूसरा मटेरियल जो है वो रेफर करने की जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी रेफर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में भी हमने ये थ्योरी रहे, बट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट कैसे पूछते, उसके लिए मैंने क्वेश्चन बैंक में 10 attempts के RTP पास्ट पेपर्स, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के क्वेश्चन सारे कवर कर लिए है। तो आपको कुछ भी मटेरियल एक्स्ट्रा रेफर करने की जरूरत। और एक सवाल है मेरा, आपने पहले 3 tests का जिक्र किया, वो क्लास के बाद होंगे, क्लास के दौरान होंगे? क्लास के दौरान ही किए जाएंगे, मतलब जैसे जैसे पूरा सिलेबस का या पीस मिल में होगा? थोड़ा नहीं, थोड़े थोड़े पार्ट्स में होगा, और हर 2 chapters के बाद आपका MCQ तो टेस्ट होने ही वाला है, और प्लस रिटन भी आपका 3 to 5 tests हो जाएंगे। तो क्लास के दौरान ही आपको समझ में आ जाएगा कि where you are falling short, और हम उसके उन weaknesses पे काम करना शुरू कर सकते हैं। ये टेस्ट जो होगी वो हम लोग खुद चेक करेंगे स्टूडेंट, या आप चेक करवा के दोगे? नहीं नहीं, तो हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड टीम ही है ऑफ 5 chartered accountants जो पेपर बनाती भी है और पेपर चेक भी करती है। देखो, बहुत बार ऐसा होता है, मैंने अगर आपको सिखाया है फिर मैं थोड़ी सी आपकी तरफ बायस्ड हो जाती हूँ, थोड़ा सा वो प्यार आ जाता है, और फिर ऐसा हो जाता है कि मैं इजी इजी क्वेश्चंस बना दूंगी। बट ऐसा तो इंस्टीट्यूट नहीं करेगी आपके साथ। सो यू आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर द 3 hours ऑफ द एग्जामिनेशन। तो इसीलिए बायस्ड अप्रोच ना हो, इसलिए हमारी एक स्पेशलाइज्ड 5 chartered accountant की टीम ही है जो खुद अपने लेवल के हिसाब से क्वेश्चंस बनाती है, पेपर बनाती है, और 10वें दिन आपको आपका करेक्टेड पेपर जो है हाथ में मिल ये जाता जो है। है जितने भी लोग ऑनलाइन बोल रहे हैं कि उनके लिए भी टेस्ट है जी, ये तो किताबें उनके लिए भी है। हाँ, ये टेस्ट उनके लिए भी है। वो पेपर कैसे सबमिट करेंगे आपको? वो SPC प्राइम जो एप्लीकेशन है उसमें एक टैब है, वहीं पे उनको अपना पेपर स्कैन करके, टेस्ट है, टेस्ट में उस दिन एब्सेंट था तो घर से लिख के अपलोड कर सकता है। ओके, ये लेक्चर्स जो आपके लिए, ये सारे लोग जो यहाँ पे बैठे हुए, आपको अगर किसी दिन अगर आपका लेक्चर मिस हो गया, मोस्टली तो आप कोशिश करेंगे आप यहाँ पे आ रहे हो, इनकेस यू मिस्ड इट, आपको एक लाइव स्ट्रीमिंग का एक्सेस मिलेगा जहाँ से आप ये लेक्चर्स घर से भी देख सकते हो। बट वो आपकी आदत नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ कभी कभार की जरूरत होना चाहिए, बिकॉज लाइव स्ट्रीमिंग ही करना होता फिर यहाँ पे आएगा वो सिर्फ कभी आप बीमार हो, कभी आपको लगता है नहीं यार बहुत बारिश हो रही, नहीं पॉसिबल हो रहा है, मे बी ड्यू टू सम एनी जेन्युइन कॉज यू आर नॉट ओके, आप उस लाइव स्ट्रीमिंग के इसका इस्तेमाल करेंगे और ये लेक्चर्स उसी समय आप देख सकते हो अपने ही मोबाइल पर, ओके, और अपने ही लैपटॉप पर। उसके आपको यूजर आईडी पासवर्ड दिए जाएंगे, आई होप इट इज ओके। बट वो कोशिश करना कि वो मत लेना, क्योंकि वो अगर आपको उसकी लत है, लत लग गई तो आप यहाँ पे आना कम कर दोगे जी। अब नहीं जान दे यार मैं आ जाके लो, पर यहाँ पे आने का जो माहौल है, आई थिंक यू शुड सिट हियर। अब जो लोग ऑनलाइन है वो उनका वो माइंड सेट ही ऑनलाइन से पढ़ना है ना, तो फर्क कुछ नहीं, आपको वहां भी दिखेगा यहाँ भी दिखेगा, बट जस्ट मेक श्योर आप ये अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे आने की पूरी कोशिश करेंगे। मैम एक सवाल ये पूछेंगे कि यहाँ पे जो आपने लिखा है ये बच्चों से लिखवाएंगे या ये इसकी भी प्री प्रिंटेड नोट्स आप दोगे? दोनों भी चीजें होगी, हम लोग क्लास में भी लिखने वाले, तो मैंने जैसे बताया था बहुत सारे स्टिक नोट्स हो गए जिसपे हम चार्ट्स बनाए गए, नोटबुक में हम मास्टर चार्ट्स बनाए गए, बट इसके अलावा भी हम लोग क्या करेंगे, ये आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर लेंगे, तो अगर आप भी चाहते हो तो अपने एंड से लिख सकते हो।
अच्छा एक बात, ये मतलब आपने पांच जो किताबें बोली उसमें ये किताब शामिल नहीं है? नहीं, ये अलग से छह, मतलब छह किताबें मिलेगी। सॉफ्ट कॉपी दी है ना, तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ट्रैवल करते वक्त, जैसे गुरुकुल के बच्चे हैं तो आते जाते वो रीड कर सकते हैं, कभी बाद में भी आपको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चाहिए तो। ये आपने कुछ कुछ वर्ड्स हाईलाइट की, कुछ बॉक्स के, इसे कोई कारण है? हाँ, ऐसे शौक से कर दिया आपने? ये हाईलाइटेड वर्ड्स आर द कीवर्ड्स जिसको आपको याद रख के एग्जामिनेशन में प्रेजेंट करना है। जैसे मीटिंग में अगर कोरम प्रेजेंट नहीं होता है तो मीटिंग जो होती है ना पोस्टपोन हो जाती है, तो हम पोस्टपोन नहीं लिखते, हम लिखते अजर्न। तो अजर्न एक कीवर्ड है जिसको आपको याद रखना है और उसको लिखते हुए आंसर को प्रेजेंट करना है। तो वो सारे कीवर्ड्स ये बार बार आपने बीच बीच में चार्ट बनाए, चार्ट ऐसे एग्जाम में बना सकते हैं हम लोग? हाँ बना सकते हैं, इससे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे हमें? हाँ ऑफ कोर्स। ये जो तरीका होता है इज द एग्जैक्ट वे ऑफ राइटिंग योर आंसर इन द एग्जामिनेशन आल्सो, राइट? तो आपको ये बता दिया जाएगा और ये नोट्स आपको, ताकि आपको जब रिवाइज करना है तो आपको समझ जाएगा चाहे ये, क्योंकि आपको ऐसा फील होगा ये आपकी खुद की हैंड रिटन नोट जैसा हो जाएगा। बट ये मैं आपको चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही दूंगी, नहीं तो फिर बच्चा जो है ना चीटिंग करने लग जाता है। खुद की नोट्स नहीं बनाएगा वरना, राइट? वो खुद की नोट्स नहीं बनाएगा फिर। ओके मैम, और अगर कुछ अगर इनको डाउट है क्लास के दौरान तो आप कभी भी पूछ सकते हो, और अगर जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग में है पेन ड्राइव गूगल ड्राइव में, तो एसपीसी प्राइम पे डाउट पे क्लिक करें, वहां पे डाउट लिखें, विद इन 24 आवर्स योर डाउट विल बी रिजॉल्व्ड। ओके, और किताबें कब मिलेगी? जब आपने एडमिशन लिया उसके 7 दिनों के अंदर आपको किताबें मिलेगी आपके एड्रेस पे, बट 7 working days पर आप लोग को तुरंत मिलेगी, कल तक मैं आपको बता दूंगा। पर वैसे पहले 5 से 6 लेक्चर में बहुत नोट्स की आवश्यकता नहीं थी, उसकी सॉफ्ट कॉपी भी आपको वहां पे सफिशिएंट रहेगी, पर 1 या 2 दिन में आपको नोट्स मिल जाएगी आपके पास में। ओके फाइन, यस मैम, आगे। ओके, सो दिस वॉज अबाउट द नोट्स। छोटा सा अभी हमारे पास सिर्फ कुछ ही मिनट बचे हुए, 12 मिनट बचे हुए, तो एक छोटा सा बेसिक सा सवाल मैं आप लोगों को पूछना चाहती हूँ। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक्ट पढ़ने वाले हैं या लॉ पढ़ने वाले हैं? नहीं मैम एक मिनट, मुझे इस क्लास को मैं लड़का और लड़की में डिवाइड करता हूँ, मुझे देखना गर्ल्स वर्सेस बॉयज थोड़ा सा समझना चाहता हूँ कि किस में कितना है दम वाला बात है। ठीक है, आर यू रेडी बॉयज? ए इतना थकेला बॉयज है नहीं, आर यू रेडी बॉयज? यार बॉयज कम ऑन, आर यू रेडी? महिलाओं से मैं भी पूछ लेता ऐसे, जो सिर्फ महिलाएं वही आंसर दे, और जो लड़कों के समय भी आंसर नहीं दे, लड़की भी नहीं समझ दिया, तो हम समझ जाएंगे वो कौन है। कुछ ऐसे लोग हैं जो दोनों में भी नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं, आजकल वो भी चल रहा है। दोस्तों आप बताएंगे मुझे जो मैं कह रहा हूं, लड़कियां बताएंगी, आर यू रेडी? यस सर। अच्छे से, आर यू रेडी? आप देखते हैं मैम, देखते हैं दो लोग आप जवाब देंगे। लॉ, भारत में लॉ कैसे बनता है? एक लड़का और लड़की आप मुझे बताएं, हाथ ऊपर करें, कौन जवाब देगा, देखते कौन इसका जवाब से देगा, लड़का है लड़की, कितना है दम, किस में कितना है। भारत में लॉ बनता कैसे है, लॉ जनता में कैसे लाया जाता है, क्या प्रोसेस फॉलो की जाती है लॉ बनने की? अभी तक सिर्फ 3 लड़के ने हाथ ऊपर किया, गर्ल्स कम ऑन यार, अभी तक 1 लड़के ने हाथ ऊपर किया, कम से कम अफसोस, कोई बात नहीं, यहाँ पे 10, 7 boys, 3 girls, 5 girls, ओ हम भी किसी से कम नहीं है, दिल बिल्कुल 7 versus 7। अरे बॉयज कहाँ गए? ओके रेडी नाउ आई थिंक, बेटा आपसे सवाल पूछेंगे उधर जो है। हाँ जी हाँ जी, जरा माइक दे उधर जरा, हाँ जी हाँ जी उधर माइक देना। बड़ा जवाब देंगे आप? तो पहले कंसर्न मिनिस्ट्री वो देखती है कि क्या प्रॉब्लम्स है, उसके बाद वो एक ड्राफ्ट पास करते हैं, फिर वो दोनों पार्लियामेंट्स में रखे जा, दोनों लोकसभा और राज्यसभा में रखा जाता है। क्या बात, एक मिनट पहले बताएं, पहले क्या हुआ? पहले कंसर्न मिनिस्ट्री देखती है कि क्या प्रॉब्लम्स, जैसे एग्जांपल आप कंसर्न मिनिस्ट्री के ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लीजिए। जैसे कंपनीज एक्ट की बात करें तो आपके हिसाब से कंसर्न मिनिस्ट्री कौन सी हो गई? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, बिल्कुल सही, क्या बात है, क्या नॉलेज रखती हो आप। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, क्या नाम है जी आपका? भूमि। भूमि कहाँ से है? पुणे से। भूमि फ्रॉम पुणे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भूमि इस सवाल का जवाब दे रही है, कह रही कि कंसर्न मिनिस्ट्री उसका क्या बनाएगी? ड्राफ्ट बनाएगी, फिर वो कहाँ जाएगा? फिर वो राज्यसभा, माइक थोड़ा सा पास मिलेंगे, राज्यसभा और लोकसभा में, दोनों में जाएगा, फिर क्या होगा? जब दोनों हाउसेज में पास हो जाएगा फिर वो प्रेसिडेंट के पास फाइनल अप्रूवल के लिए जाएगा। क्या बात, ग्रेट। और फिर क्या होता है उसके बाद? और उसके बाद जनरल अपीलिएट में सारे किसमें किसमें, एक मिनट, आप अभी प्रेसिडेंट की साइन हो गई, हाँ। क्या अभी तक जनता को मालूम हुआ है? नहीं, अभी तक नहीं मालूम हुआ है, फिर कैसे मालूम चलेगा जनता को? जनरल, एक मिनट एक मिनट, फोनो फ्रेंड आपके बाजू में कोई, फोनो फ्रेंड, हाँ जी बेटा आप भी खड़े हो जाइए,
वो क्या बोल रही, कहाँ पे जाके, वो कहाँ पे पब्लिक को कैसे मालूम चलेगा? नोटिफिकेशंस इशू हो गए कहाँ पे? एक एक वर्ड है, एक वर्ड है ओनली. हाँ जी, क्या ऑफिशियल गैजेट? गैजेट गैजेट ऑफिशियल गैजेट. चलो ठीक है भूमि, जवाब देना क्या बोल रहे हैं, क्या होगा? ऑफिशियल गैजेट में पास होगा वो. ऑफिशियल गैजेट, मैम जरा वेबसाइट बताइए ऑफिशियल गैजेट की. ऑफिशियल गैजेट का एक वेबसाइट आता है जहां पे इसको जरा आपके सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं आप लोग. ऑफिशियल गैजेट की वेबसाइट आती है जिसके द्वारा जनता को मालूम चलता है कि ये कानून आया हुआ है, वरना ये चार दीवारों के अंदर की बात उनको मालूम चलेगी. लोकसभा वाले को पता है, राज्यसभा वाले को और प्रेसिडेंट को मालूम है, जनता को मालूम ही नहीं चला और बोले एप्लीकेबल हो गया. कैसे मालूम, हमें क्या पता तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है? तो क्या आपको लगता है इसको जनहित में जारी करना जरूरी है? हाँ. क्यों? तभी तो लोगों को पता चलेगा कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है या फिर वो एक्ट आ चुका है. यहाँ पे वो भी चले, यही है आपकी गैजेट. ये ठीक है, वेबसाइट नहीं हो गई. ये है वो सेकंड वाला, खोल दो कोई भी, खोल दो. ये तो महाराष्ट्र का है. ऑफिशियल गैजेट लिख दो. ठीक है, ऐसी कुछ होगी, बराबर है. ओके, ये ऑफिशियल गैजेट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नाम भी लिखा देगा ऊपर, india.gov.in वेबसाइट -gazette in India. कोई तो ऐसा एक ऑफिशियल गैजेट का वेबसाइट होगा, हो सकता है टेम्परेरी कुछ काम चल रहा हो, पर इसके द्वारा हम लोग जनहित में बताते हैं कि वो होता क्या. एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से एक ने उसको इनकार कर दिया तो क्या होगा? तो फिर वो वापस से नहीं, पर वो क्या वो बनेगा या नहीं बनेगा? क्या दोनों का हाँ होना जरूरी है? सीधे मम्मी और पापा है आपको, एग्जाम्पल आपको शादी करना है और वो चिंटू के बारे में आपने प्रस्ताव रखा और सिर्फ मम्मी ने हाँ कह दिया, आप शादी करोगे या पापा से भी पूछोगे? कितना सोच रही है. पूछना तो पड़ेगा ना सर, वैसे मेरे को वो नहीं, वो सॉर्टेड है. मैं क्या करोगे आप, पापा ने मना कर दिया और सर कैसा सवाल पूछोगे? पापा ने मना कर दिया, मम्मी ने हाँ कह दिया, आप बताओ क्या होगा? तो हाँ हाँ, तो बोलो, दिल की बात बोलो, ज्ञान की बात, दिल की बात बोलो. पापा को मनाने की कोशिश. सही है, सही है बेटा, बहुत अच्छा लगा भूमि. आई एम सो प्राउड ऑफ यूर, यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर. एक बट्टा लिया भूमि के लिए, थैंक यू सो मच. एक बार मैम आप थोड़ा मैम विस्तार में बता दो कैसे होता है. एक इसकी पीपीटी से पूछा ही नहीं, अब उन्होंने जवाब दे दिया ऐसे ही. तो आपको बेटा जवाब देना था. अरे यार मेरा चिंटू. आपको भी जवाब देना है, आ जाए इधर मेरे पास. तब तक तुम पीपीटी बताओ मैम. अरे तालियां तो बजा दो बच्चे के लिए. अरे दिए मानो आज अपन. मैम तुम बताओ, मैं तब तक से बात करता हूँ. अभी की प्रेसिडेंट कौन है? मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू. मुर्मू सही बोले बेटा, माइक ले लो. क्या बोला वो दीदी ने, क्या जवाब दिया था दीदी ने? माइक चेक चेक. माय फ्रेंड ने ऐसा बोला कि माय फ्रेंड नहीं. माय फ्रेंड कहाँ से होगी बे? चलो बातें बातों में फ्रेंड बना लिया. फ्रेंड कहाँ से होगी बे? मेरी दीदी. और आपकी दीदी तो मेरी फ्रेंड होगी. तू बड़ा चालू आदमी बे. जब से वो लड़की जवाब दे रही तब देखा, मैं भी बोलता. पूरी क्लास में ढाई घंटे से एक शब्द बोला नहीं है. जब से चिंटी ने जवाब दिया, सर मैं बोलू. हाँ बोल, क्या हुआ द्रौपदी? हाँ तो आपकी दीदी मेरी फ्रेंड. जैसे कि उन्होंने कहा पहले कोई प्रॉब्लम होगी सोसाइटी में तो कंसर्न मिनिस्ट्री को समझेगी वो प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम समझने के बाद कंसर्न मिनिस्ट्री एक ड्राफ्ट लेके आएगी, उसको बिल कह दे, और वो बिल लोअर हाउस पार्लियामेंट के लोअर हाउस में और अपर हाउस में पास किया जाएगा. उसको यानी लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा में उसको पास किया जाएगा. तो और उसके बाद उसको अपने भारत के प्रेसिडेंट की असेंट मिलेगी उसको, यानी कि मुर्मू जी की असेंट मिलेगी. मुर्मू जी की असेंट होगी और असेंट होने के बाद वो होगा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होगा. हाँ. और उसके बाद अगर वो उसको नोटिफाई किया जाएगा तब वो लॉ बनेगा, उसको यही बताना था. हाँ जी, मतलब वो जब तक पार्लियामेंट में मतलब वहाँ पे जब तक नहीं आएगा ऑफिशियल गैजेट में, तब तक वो जनता के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, लॉ नहीं होगा, वो
लॉ नहीं होगा। तो मैम एक सवाल पूछ ले, अभी एक लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग एक्ट पढ़ने जा रहे हैं या फिर लॉ पढ़ने जा रहे हैं? लॉ पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे हम। अरे सब्जेक्ट का नाम क्या है? कॉर्पोरेट एंड अदर, कॉर्पोरेट एंड अदर। तो लॉ पढ़ रहे हैं या एक्ट पढ़ रहे हैं? आप लॉ पढ़ने आए क्या एक्ट पढ़ने आए? बेटा आपका नाम क्या? कहाँ से? लातूर से। आकाश फ्रॉम लातूर। 78 करोड़ आप लाज मरना रहे। 78 करोड़ आपने कोई मिलना चाहिए, है ना? सही है ना? ये उसी जगह से, लातूर से। एनीवेज गाइस, आप बताएंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ पे कौन जवाब देगा, लॉ पढ़ने हैं क्या एक्ट पढ़ने हैं? लॉ। लॉ श्योर है? पक्का? बेटा इनके पास माइक देना जरा, कि बच्चा क्या बोल रहा है। हम लोग लॉ पढ़ने हैं। मैम इस सवाल तो एक बार बच्चों से पूछा जाना चाहिए। यस सर। लाउडली बोलना। सर लॉ पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि एक्ट में बाकी सारी चीज़ें, मतलब एक्ट के साथ साथ हम नोटिफिकेशंस, जो भी अमेंडमेंट्स आ रहे हैं एक्ट में, वो सब भी पढ़ेंगे, केस स्टडीज भी पढ़ेंगे, केस लॉज भी पढ़ेंगे, तो वो सब मिला के वो लॉ बन जाता है। मैम आप जवाब दीजिए इसके ऊपर। जी, तो हम लोग जो पढ़ने वाले हमारे सिलेबस में, दैट इज लॉ, इट्स नॉट एक्ट, है ना? लॉ इज अ वेरी ब्रॉड वर्ड, एक्ट उसका एक छोटा सा हिस्सा है। जब हम कहते हैं ना हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं, तो हम एक्ट तो पढ़ेंगे। एक्ट मतलब सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, एक्सप्लेनेशन, प्रोविजंस, सब कुछ एक्ट में आ जाता है। बट सिर्फ एक्ट पढ़ के बात नहीं बनने वाली, एक्ट के साथ साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल्स। तो देखो रूल्स भी बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि एक्ट रूल्स के बगैर अधूरा है। बहुत बार आपने कंपनीज एक्ट में भी, जो लोग फाउंडेशन के बच्चे हैं उन्होंने पढ़ा होगा, जैसे आपने स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी, स्मॉल कंपनी इज अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल इज नॉट एक्सीडिंग, हाँ, तो अब ये जो 4 crores है, ये 4 crores एक्ट में नहीं दिया गया है, दिस इज गिवन अंडर द रूल्स। सो 2 crores और 50 lakhs और सच हायर नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब, एज मे बी जहां कहीं पे भी एज मे बी प्रिस्क्राइब लिखा है, इट मीन्स इट इज अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो देखो अगर आपने सिर्फ एक्ट पढ़ा होता, कंपनीज एक्ट, ओके, तो आपको पूरी डेफिनेशन स्मॉल कंपनी की नहीं मिलती। बट जब आपने एक्ट के साथ रूल्स पढ़ा है, तब आप रियलिटी में प्रैक्टिकली समझ पाते कि स्मॉल कंपनी को कब, कोई भी कंपनी को स्मॉल कब कहा जाता है। ऐसी बहुत सारी जगह पे कंपनीज एक्ट में भी आप देखोगे एज मे बी प्रिस्क्राइब, मतलब इट इज अकॉर्डिंग टू द रूल्स। और रूल्स कौन बनाता है? रूलिंग पार्टी, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाती है। एक्ट को बनाने का प्रोसीजर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और चैलेंजिंग है, क्योंकि उसमें बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट है, रूलिंग पार्टी भी है और ऑपोजिशन के लोग भी आपको दिखाई देंगे। बट रूल्स तो रूलिंग पार्टी ही बनाता है, हाँ, है ना? तो कभी ऐसा लगा मोदी जी को बस अभी आज नींद नहीं आ रही, बड़ी बेचैनी है, हो गया? स्मॉल कंपनी का 4-40 का हो सकता है, 5-50 हो जाए, यू नेवर नो। तो रूल्स भी आपको पढ़ना जरूरी होता है एक्ट के साथ साथ। अलोंग विद दैट हम बहुत सारे केस लॉज भी पढ़ने वाले हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा रमैया, चिनैया वर्सेस रमैया, बैल्फर वर्सेस बैल्फर, सैलमन वर्सेस सैलमन, है ना? कितने ही केसेस हमने देखे होंगे। तो ये जो जुडिशियल डिसीजंस है, ओके, ये भी कानून का हिस्सा ही रहता है। और इसीलिए जब हम लॉ पढ़ते हैं, लॉ में हम देखने वाले एक्ट, रूल्स, केस लॉज, इनफैक्ट वी आर ऑल्सो गोइंग टू लुक इन टू वेरियस बायलॉज एंड रेगुलेशंस। जैसे सेबी, सेबी के अपने खुद के बायलॉज होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, ये भी जो होता है इट इज अ पार्ट ऑफ दिस ब्रॉड वर्ड लॉ, है ना? तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोई अगर आपको पूछता है, हम लोग एक्ट पढ़ने वाले या लॉ पढ़ने वाले? लॉ। ओके, लॉ में क्या एक्ट होते हैं? लॉ इज इक्वल टू एक्ट प्लस व्हाट? कम ऑन, एक बार स्क्रीन पे देखिएगा जरा सब लोग, एक्ट प्लस व्हाट? कम ऑन, हम लोग क्या रूल्स भी पढ़ेंगे? हम लोग क्या केस लॉ भी पढ़ेंगे? क्या इस क्लास में क्या हम लोग से सेक्शन नंबर पढ़ेंगे या रूल्स भी पढ़ेंगे? और एक्ट देश में कौन लाता है? अरे कौन लाता है? पार्लियामेंट, रूलिंग पार्टी नहीं, पार्लियामेंट, यानी लोकसभा, राज्यसभा, उसमें पप्पू भी है बैठा हुआ। राहुल गांधी की सरकार है क्या? फिर भी अगर एक्ट पास करना है तो वहां से भी इजाजत चाहिए, यानी कि लोकसभा से राज्यसभा की इजाजत, वहां पे वो भी लोग होते जो सत्ता, यानी इस समय रूलिंग पार्टी कौन है? तो दोस्तों जब वहां पे लोकसभा और राज्यसभा में जब चलता है, तो वहां तो वो लोग भी होते हैं जो बीजेपी के नहीं होते,
अरे बोलो यार, अभी तो इन दिनों में चल रहा है ना संसद का काम ही, इन दिनों चल रहा है, सेशन चालू है और तो सब लोग बैठे, तो लोकसभा राज्यसभा में वो जो होता है एक्ट बनाना इसलिए मुश्किल हो जाता है, बिकॉज क्यों, वहां पे बीजेपी के भी लोग है और नॉन बीजेपी के लोग, इसलिए बीजेपी पर, बीजेपी को रूल्स बनाना बड़ा आसान है, बताओ क्यों? नहीं नहीं नहीं, रूल्स तो वो खुद ही बनाते हैं, रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी यानी कि ओनली बीजेपी, लोकसभा यानी कि सब, बीजेपी भी नॉन बीजेपी भी, समझ में आ रहा है? तो रूल्स बनाना मोदी जी के लिए क्या आसान है, एक्ट बनाना के रूल्स बनाना, रूल्स बनाना, इसलिए कंपनीज एक्ट में उन्होंने ज्यादा से ज्यादा रूल्स डाल के रखे, क्यों मालूम है? ताकि वो जब चाहे तब उसको मन बदल चेंज कर सके, क्योंकि एक्ट में बदलाव लाना है तो लोकसभा में सबकी हांजी हांजी करना पड़ेगी, उन लोग के लिए भी जो बीजेपी के नहीं है, समझ आ रहा है? इसलिए उन्होंने क्या बनाया, ज्यादा रूल्स बनाए, सेक्शन कम बना दिए, ताकि उसमें चाहे जब बदलाव उनको अमेंडमेंट लाना है तो बीजेपी, मोदी जी ने बोला ये बदलाव, ओके डन, ये चाहिए, वो क्या नाम अपने निर्मला जी ने बोला ये चेंज, वो चेंज हो जाएगा, आसान है, इसलिए रूल्स में बहुत सारे चेंज करना किसी भी रूलिंग पार्टी के लिए आसान होता है। आर यू गेटिंग इट? बट एनीवेज ये कोई नहीं, आपसे भी बताता हूं, हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं कि एक्ट पढ़ रहे हैं? लॉ इज इक्वल टू एक्ट प्लस प्लस, और आगे हम लोग देखने वाले बायलॉज भी, रेगुलेशन भी, ये सारी चीजें, ऑर्डिनेंस भी, इट्स अ पार्ट ऑफ लॉ ओनली, है ना, तो वो हम लोग पढ़ेंगे बाद में। दोस्तों आज आपने जो लेक्चर पढ़ा है, मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, आप कभी वेब सीरीज देखे कोई? वेब सीरीज के पहले एपिसोड में सब समझता कि सब कुछ आखिरी में, आखिरी वाले एपिसोड उसका जो भी है, और तब जाके लगता वाओ आप सब समझ गए, तब तक एक भी डाउट नहीं रहता। पर पहले जो एपिसोड देखते हैं ऐसा था, ये एक पता नहीं हम लोग किसको अलग समझते, वो आखिरी में कुछ अलग ही निकलता है, ऐसे ही होता है। कोई भी वेब सीरीज समझने के लिए क्या करना पड़ता है, यू हैव टू वॉच टिल द एंड, कोई भी चैप्टर को समझने के लिए, अगर मान लो चैप्टर वन में 6 लेक्चर्स है, तो जब तक उसके 6 लेक्चर नहीं देखेंगे ना आप, 6 एपिसोड, तब तक वो चैप्टर नहीं समझ में आता, बिकॉज बहुत सारी गुत्थियां हर लेक्चर में अलग अलग खुलती है। इसलिए कोई भी लेक्चर जिस तरह से वेब सीरीज होता है वैसे चलता है, चैप्टर वन में 6 लेक्चर, तो 6 लेक्चर के अंत में वी आर वेरी श्योर कि आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहता है ना, उस तरह से आपको पेशेंटली सारे प्रोविजन को बराबर से सुनना पड़ता है, एंड विल मेक श्योर हम लोग सारी चीजें क्लास में आपके इस तरह से रिवाइज कर रहे हैं कि घर पे आपको बहुत पढ़ने की जरूरत ना हो। आई होप आपको आज का सेक्शन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो जोरदार ताली बजा दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, आपका इस तरह से प्यार और मोहब्बत आपकी बरकरार है। बेटा एक बार मैंने पूछा नहीं, आप कहां से हो? सर आगरा। अरे ताजमहल से भी लोग आ गए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ना, आपकी क्लास में पूरा डायनामिक भरा हुआ है। वर्षा दिलदास बेटा बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच, आपको हमेशा देखते रहेंगे यहाँ पे। तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू सो मच, हम लोग मिलेंगे कल वापस से। अभी ठीक है, इसके बाद में आपकी, इधर आ जाओ बेटा, क्या लाए? अच्छा अच्छा, अरे क्या बात है, एक बार ताली बजा दो इस बच्चे के लिए। अरे है क्या बात है, क्या लाए, क्या लाए, ओ, कितना क्यूट है, ओए, ओए। ये आपने बनाया? वाओ, बोले किस, क्या नाम है आपका? क्या नाम? मुश्ताक है मेरा नाम। आप कहाँ से? आसाम से। आसाम से, ये क्या आपने बनाया हुआ है बेटे? क्या बात है यार, एक बार देख लीजिए भाई बच्चे ने क्या बनाया, बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारा बनाया, बहुत खूबसूरत बनाया है। प्यारे सर आप दोनों के लिए, मतलब आप लोग बोलने दो, अरे बोलने दो यार, आसाम से अच्छे से बोल रहा है। एक मिनट, हाँ जी सर, बहुत बड़ा आदमी है मतलब। अरे हम कोई बड़े आदमी, हम बहुत छोटे आदमी है, मतलब आप लोग इतना अच्छा काम करते हो, मतलब बहुत लोगों का एक सीए बनने का एक वो होता है, ड्रीम होता है, तो आप लोग वो ऐसा पकड़े स्टूडेंट का ड्रीम होता है। डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत, आजा इधर चल, एक बटाले बजा दे बच्चे के लिए। मैं इस पेंटिंग जानता हूँ, पेंटिंग बनाना बहुत मुश्किल है और यू मस्ट स्पेंड लॉट ऑफ टाइम, ये तभी आ सकते हैं जो बहुत अंदर से किसी के लिए आपको फीलिंग है, मोहब्बत है, वो मैं समझ रहा, आज आप बहुत नहीं बोल पा रहे, बट आपके दिल में क्या है, कैसा आपने कैसा सोच लिया बनाना है आपको, और कब आने का सोचा आपने यहाँ पे पुणे में? सर मैं बाद में बता रहा हूँ। अच्छा आसाम से किस जगह से आप? बारबीटा डिस्ट्रिक्ट। ओके बड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, आपका नाम मुश्ताक है राइट? Yes, एक बार मुश्ताक के लिए ताले बजाते हैं। थैंक यू सो मच मुश्ताक, इस क्लास में हम लोग टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, और टेस्ट के टॉपर्स जो होंगे उसका एक आप पेंटिंग बना दोगे,
पक्का एक पेंटिंग लाइव स्ट्रीमिंग वालों के लिए और एक यहाँ के लिए, हम उसको हमारी ओर से गिफ्ट करेंगे। आप नहीं जानते आपने बनाई बहुत चीज अनमोल है, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। थैंक यू सो मच मिस्टर मुश्ताक, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू सो मच गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज आप आई थिंक यस 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 यू आर गेटिंग अ ब्रेक फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स और फिर बाद में आप यहाँ पे टैक्स के लिए यहाँ पे मौजूद हो जाएंगे। ओके थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव, थैंक यू लाइव स्ट्रीमिंग किड्स, लाइव स्ट्रीमिंग थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट है तो अभी आप स्क्रीन पे मुझे पूछ सकते हैं, कैन आंसर यू ऑल द क्वेश्चंस। यही लेक्चर जीडीपीडी के लिए चलेंगे दोस्तों, आज हम लोग लेक्चर ले रहे 2 घंटे में आपके लिए वो रिकॉर्ड अपलोडेड हो जाते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग अस लाइव, ऑल द लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट थैंक यू सो मच। ऐप ऑलरेडी स्टार्ट हो गया ना, ऐप ऑलरेडी स्टार्टेड है बेटा, पर अगर आपको आईडी पासवर्ड नहीं मिला नॉट एन इश्यू, आपको एक दो दिन में आईडी पासवर्ड भी मिलेंगे। विजय बैच के बच्चों को मिल गया आईडी पासवर्ड? हाँ ऑलरेडी मिल चुका था उनको जी। विजय बैच के लोग इसी से ही कंटिन्यू कर रहे हैं, आपको एक दो दिन के लिए रिविजन होगा फिर बाद में आप वापस यहाँ पे फ्लो में आ जाओगे। सर टेस्ट भी फीस में इंक्लूडेड है? हाँ जी बेटा, उसमें कोई अलग से फीस नहीं है, बुक्स भी इंक्लूडेड है, जीएसटी भी इंक्लूडेड है। आप YouTube पे लगातार देखते रहेगा, आने वाले 7 से 8 दिन कोई टेंशन ही नहीं है, बुक्स आज या कल में डिस्पैच हो जाएगी, आपको 7 वर्किंग डेज में मिलेगा और वैसे भी इनिशियल लेक्चर का आपको PDF मिल जाता है। यस यस आयुष बिल्कुल सही है, ये कंटिन्यू होता रहेगा उसी आईडी पासवर्ड में। हिमांशु थैंक यू सो मच। iOS नहीं चलेगा, एप्पल फोन पे नहीं चलेगा, ओनली ऑन एंड्रॉइड। जितने भी लोगों को कोई भी एडमिशन से लेकर कोई भी चीज है इसमें लिंक डालो, ये सुन ना एक लिंक डालना अलग से, फॉर्म अलग से डाल सकते हैं। आपको कोई भी अगर कोई चीज से लेकर कोई प्रॉब्लम है एडमिशन से लेकर कोई भी, वहां पे आप अपना नाम डालेगा, आई विल गेट बैक टू यू। बेटा वो अनलिमिटेड बाद में हो जाएगा, ऑल द डिज 6 मंथ्स नाउ इट विल बिकम अनलिमिटेड, डोंट वरी। अगर आपने 15 को लिया है तो iOS के लिए कुछ भी नहीं चल पाएगा बेटा, आपको एंड्रॉइड पे चलाना पड़ेगा, लॉगिन से वही के डिवाइस में होगा। जीडी वालों के डाउट SPC प्राइम से आप लिखेंगे 24 घंटों में सॉल्व होंगे, SPC प्राइम पर भी बेटा आप देख सकते हो, मैं वही कह रहा हूं ना वहां से भी देख सकते हो, बट जस्ट मेक श्योर करो आप 7 दिन तक यूट्यूब पर ही लगातार देख रहे हो। हिंदी में बुक्स अभी तक आई नहीं बेटा, न्यू सिलेबस की। लॉट्स ऑफ गाइस लव यू सो मच। क्या ये नवंबर 24 के लिए भी एप्लीकेबल है? जी बिल्कुल, यस मई 24 नवंबर 24 सबके लिए बिल्कुल बेटा, मुस्कान कोई बात नहीं, आप अभी वहां से देख सकते हो, बाद में यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। हाँ 2 व्यूज में एक लाइव वाला अकाउंट होगा, एक बैकअप में मिलेगा आपको लाइव स्ट्रीमिंग मोड पे। बिल्कुल सही सवाल है आपका, अमेंडमेंट्स बिल्कुल एडेड है 100% है मई 24 के हिसाब से। इस बैच का बनेगा ग्रुप तो आपको ऐड किया जाएगा, अभी तो हम लोग ऐसे ही जुड़ेंगे, थोड़े दिन में वो ग्रुप भी बन जाएगा, टेलीग्राम वाला बन गया है। ओके ठीक है रिजवी बिल्कुल सही है आपका, 15th और 14th को वालों को वो अनलिमिटेड व्यूज, अनलिमिटेड वैलिडिटी नॉट व्यूज। जीडी अब बेटा ये सारी किताबें आपको भी मिलेगी ना, हैंड रिटन क्या सब कुछ मिलेगा आपको, नॉट एन इश्यू। ऑफलाइन क्लास करना है तो आप पुनः आ सकते हो, ये सेम ही लेक्चर जीडीपीडी में आएंगे अनडाउटेडली, उसमें ही आते रहेंगे, उसमें ही आते रहेंगे। ट्रैकिंग आईडी बेटा बुक्स का आपको मेल आईडी पे मिल जाएगा। यूट्यूब पे कब तक चलेगा? 5 to 7 days 7 to 8 days 7 to 8 days 7-8 दिन टेंशन मतलब आराम से यूट्यूब पे मजे लो आप जी। हाँ अभी रजिस्ट्रेशन करने का इतना ही फायदा है, आपकी किताबें जल्दी से निकल जाती हैं यहाँ से, डिस्पैच जल्दी हो जाती है बेटा। अपने आपको एक फॉर्म का लिंक शेयर किया है, वहाँ पे आप लिखवा दीजिए, अगर आपको ऑफलाइन करना है, आपको कोई भी फीस वाला कुछ भी इशू है वहाँ पे लिखिएगा, मैं आपसे तुरंत ही कनेक्ट करूंगा। फॉर्म डलवा दिए क्या? डालेगा कितने देर में? 5 मिनट में एक फॉर्म आएगा। रैंक लाने का मोटिवेशन मिला सर, थैंक यू सो, क्या बात है, थैंक यू सो मच।
थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय. सिमरन कोई बात नहीं है, 7 to 8 days आपको यहाँ पे दिखेगा. आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लिंक पे डाल दीजिएगा, विल सॉल्व योर प्रॉब्लम. इन केस यू आर नॉट एबल टू वॉच सम देयर सम प्रॉब्लम तो आप लिखेगा, इट विल बी सॉर्टेड. आवर टेक्निकल टीम विल गेट बैक टू यू सून. यूनिट टेस्ट कब होते हैं बेटा? यूनिट टेस्ट जो होती है वो एक स्पेसिफिक पोर्शन की बात होती है. मान लो जब 1/3 पोर्शन हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, उस तरह से. जी, एक्स्ट्रा बुक सेट आप ले सकते हो वेबसाइट से. साक्षी शायद से आप बात करिए, हो जाएगा आपका. आपको जो फॉर्म दी, फॉर्म 5 मिनट्स में आएगा, वो भर दीजिए. आपकी प्रॉब्लम सब वहां पे जो भी हो गया तो हम सॉल्व कर देंगे. इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे नंबर पे भेज सकते हो, 8669661234 पर भिजवा दीजिएगा. आई विल मेक श्योर आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम. थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय.